सब कुछ छीन लोगे। तो आई थेनोस जैसी फीलिंग, किसने लिया लीगल एक्शन, कितनी फिल्म्स को किया था रिजेक्ट। हेलो दोस्तों, आप सबका बॉलीग्राड स्टूडियोज में स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त कनिष्का और आज एक बार फिर मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं KGF 3 से जुड़ी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जिनको जानकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को। पर उससे भी पहले, अगर आप सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और करना चाहते हैं काम, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक ज़रूर कीजिए और तो इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाइए। KGF फ्रेंचाइज की फिल्म्स को तो शायद ही कोई ना जानता हो। इंडिया और इंटरनेशनल लेवल दोनों ही लेवल पे इस फिल्म का पूरा पूरा क्रेज़ है और रहने भी वाला है। पता है क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी KGF 3 यानी कि KGF फ्रेंचाइज की सबसे लेटेस्ट फिल्म बहुत जल्दी लोगों का मनोरंजन करने के लिए वापस आने वाली है सिनेमाघरों में। और दोस्तों, इस बार तो ये बात कन्फर्म ही है कि KGF 3 रहने वाली है सबसे आगे। शायद ही ऐसी कोई फिल्म होगी जो इस फिल्म को टक्कर दे पाएगी। इस फिल्म की शूटिंग लोकेशन तो खास थी ही, लेकिन आप सब ये बात जानते हैं, असली जान तो फिल्म की कास्टिंग थी। इस फिल्म में हीरो का रोल निभाते हुए यश ने अपने रोल को पूरी तरीके से जस्टिफाई किया है और इनके फैंस के लिए तो इनका ये रोल किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। इस फिल्म का हीरो तो ऑसम था ही, पर इस फिल्म की हीरोइन भी कम नहीं थी। इस फिल्म में श्रीनिधि शेट्टी के रोल को भी लोगों ने खूब सारा प्यार दिया था अपना। और तो और, हम आपको ये भी बता दें कि श्रीनिधि शेट्टी ने KGF 2 में काम करने के लिए 7 फिल्म्स को किया था रिजेक्ट। पर ये बात तो पक्का है कि इस फिल्म के हिट होने के बाद श्रीनिधि शेट्टी को अपने फैसले पे बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी। हम सब ये तो जानते ही है कि KGF 2 ने KGF से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जादू चलाया था लोगों के दिल में। इस फिल्म का हीरो तो सुपरहिट था ही, लेकिन इस फिल्म के विलन भी किसी हीरो से कम नहीं थे। संजय दत्त ने इस फिल्म में विलन का रोल किया था और विलन का नाम था अधीरा। संजय दत्त ने तो मानो अधीरा के रोल में जान ही डाल दी थी और शायद ही कोई ऐसा हो जो उनसे बेटर ये रोल कर पाता। और तो और दोस्तों, संजय दत्त ने ये भी कहा अपने एक इंटरव्यू में कि जब वो इस रोल को कर रहे थे तो उनको सुपर विलन थेनोस की फीलिंग आ रही थी और इस फीलिंग का कारण था उनका स्ट्रॉन्ग और यूनिक मेकअप और उनका डिफरेंट कॉस्ट्यूम स्टाइल। अब तो बस ये देखना बाकी है कि KGF 3 में भी यही लुक देखने को मिलने वाला है अधीरा का, या कर दिया जाएगा उनके लुक को मॉडिफाई। अब इतने बड़े लेवल पे कोई फिल्म बनाई जाएगी तो ये बात तो पक्का ही है कि उस फिल्म को बनाने के लिए मेकर्स को काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। वैसे ही एक लीगल चैलेंज को फेस करना पड़ा था KGF की टीम को। साल 2019 अगस्त में प्रेसिडेंट ऑफ द KGF नेशनल सिटीजन पार्टी एन श्रीनिवास ने KGF के मेकर्स के खिलाफ एक पिटीशन डाला था कोर्ट पे और उनका इल्ज़ाम ये था कि फिल्म की शूटिंग की जाने वाली है साइनाइड माउंट के कुछ बहुत ही खास हिस्सों पे, जिसके कारण पड़ सकता था नेचर पे बुरा असर। और इसी पिटीशन के कारण कोर्ट ने इस फिल्म की शूटिंग पे भी रोक लगा दी थी। तो मेकर्स की किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकली और वो अपना ये केस जीत गए, जिसके बाद इस फिल्म की शूटिंग को दोबारा से रिज्यूम कर दिया गया और ऑडियंस को मिली एक मास्टरपीस जैसी फिल्म KGF 2। अब तो ये हम जानते ही है कि KGF 3 भी रिलीज़ होने वाली है काफ़ी बड़े पर्दे पे, तो वो बनेगी भी काफ़ी हाई स्केल पे। अब ऐसी मुसीबतों का सामना तो हो सकता है कि निर्देशक को KGF 3 के टाइम पे भी करना पड़े। तो दोस्तों, आज के लिए तो सिर्फ इतना ही, लेकिन अगर आप ऐसी औसम खबरें पाते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को। और तो हमें कमेंट्स में ये ज़रूर बताइए कि आप कितने एक्साइटेड है फिल्म KGF 3 को लेकर। पहले आपको ये तो बता दूं कि आखिर हम इसके बारे में बात कर क्यों रहे हैं।
जल्द ही हमें इसके सीक्वल देखने को मिलने वाला है। मैं पर्सनली इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फैंस की एक्साइटमेंट का सबसे बड़ा रीजन ये है कि पिछली मूवी में यश यानी रॉकी की डेथ दिखा दी गई थी, तो अब केजीएफ में दिखाने के लिए बचा ही क्या है। मेकर्स केजीएफ 3 के थ्रू क्या लेके आएंगे ऑडियंस के सामने, और उस फिल्म में तो ये भी दिखाया गया था कि उनकी प्रेग्नेंट वाइफ की भी डेथ हो जाती है, तो आखिर कहानी को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। फैंस की एक्साइटमेंट का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है संजय दत्त। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पिछली मूवी में संजय दत्त ने विलन की एक्टिंग से लोगों पर अपनी ऐसी छाप छोड़ी थी कि इस बार भी सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि केजीएफ 3 में संजय दत्त अपनी आइकॉनिक विलन एंट्री के साथ दिखाई देंगे। तो हमें केजीएफ 3 के थ्रू एक और एक्शन पैक्ड फिल्म देखने को मिलेगी। पर क्या आप जानते हैं कि केजीएफ में जिस खानदान की कहानी को दिखाया गया है वो रियल खानदान की कहानी है, और उसका इतिहास 100 सालों से भी ज्यादा पुराना है। केजीएफ की कहानी जितनी ज्यादा खूनी है, असल में इसकी हिस्ट्री भी उतनी ही ज्यादा भयंकर है। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है केजीएफ की रियल हिस्ट्री। केजीएफ की फुल फॉर्म है कोलर गोल्ड फील्ड, जो कर्नाटक के एक शहर कोलर से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक माइनिंग एरिया है, और ऐसा माना जाता है कि 20 साल पहले इस माइनिंग एरिया से सोने की खुदाई की जाती थी। पहले इस एरिया के आसपास कोई भी इंसान रहना पसंद नहीं करता था, और ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो हमें टॉलीवुड के थ्रू केजीएफ चैप्टर 1 और 2 में नजर आ चुकी हैं। फैंस को इस बात का सबसे ज्यादा इंतजार है कि जैसे फिल्म में उनकी माँ ने सोना यानी गोल्ड का सपना देखा था और उनकी इच्छा थी कि वो गोल्ड को पहने, तो इसीलिए उनके बेटे यानी यश ने कड़ी मेहनत करी थी और वो खुद को ऐसे मुकाम पर पहुंचा देता है जहां वो खुद को सोने का सौदागर स्थापित कर लेता है। ऐसे मिला यश को रॉकी भाई का किरदार। क्यों फिल्म को कलर ग्रेड था येलो? क्या कन्नड़ इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म है केजीएफ? हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज और मैं हूं अंकिता। जैसे किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता, वैसे ही फिल्म को कौन किस किरदार में आएगा और आके चला जाएगा कोई नहीं बता सकता। ऐसे में बात करें कन्नड़ इंडस्ट्री की पहली मल्टीलिंगुअल फिल्म केजीएफ का मेन लीड की, तो इसके लिए डायरेक्टर राइटर प्रशांत नील ने पहले से ही यश को कास्ट करने के सोच लिया था। प्रशांत ने यश की फिल्म गुगली देखी थी, जिसके बाद उन्होंने यश को रॉकी भाई के लिए अप्रोच किया, और बाकी की कहानी आप जानते हैं। आज यश पूरी दुनिया में रॉकी भाई के नाम से जाना जाता है, और उनसे बेहतर इस किरदार को कोई नहीं कर सकता। ऐसे में अगर आप भी खुलना चाहते हैं किस्मत का ताला और करना चाहते हैं सिनेमा में काम, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। फिल्म केजीएफ को कागज से पर्दे तक आने में कई सालों का समय लगा। ये समय लगा फिल्म की बारीकियों पर रिसर्च करने में। जी हाँ, फिल्म 90s और 80s का माहौल दिखाने के लिए मेकर्स ने बहुत सी चीजें पर रिसर्च करी, और फिल्म को लोकेशन कोलर गोल्ड फील्ड को सेटअप करने में 2 साल का समय गया। पर इसके बावजूद कुछ ऐसी हिडन चीजें हैं जिसका आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिल्म का कलर ग्रेड हमें थोड़ा येलोइश और ग्रे देखने को मिला। लोगों को ये देखने में तो काफी विंटेज फील आई, पर इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। पूरी फिल्म के अंदर सोना यानी गोल्ड की बात हमें देखने को मिली, और यही रीजन है कि फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म में येलो कलर ग्रेड देखने को मिला था, जो कि लोगों को काफी पसंद आई। और आई होप इस बात को जानने के बाद आपको केजीएफ 3 भी पसंद आई होगी। साउथ इंडस्ट्री कई टुकड़ों में बटी हुई है, जैसे मलयालम, तेलुगु, तमिल, और उन्हीं में से एक इंडस्ट्री है कन्नड़ इंडस्ट्री, जिसको मेनस्ट्रीम में इतनी पॉपुलैरिटी कभी नहीं मिलती। पर फिल्म केजीएफ के आने के बाद कन्नड़ इंडस्ट्री को जमकर पॉपुलैरिटी मिली। आपको जान के हैरानी होगी, पर केजीएफ पहली फिल्म कन्नड़ फिल्म है जिसका बजट 90 करोड़ था, और पहली मल्टी लैंग्वेज फिल्म भी केजीएफ ही है। ऐसे में केजीएफ और यश ने मिलकर न सिर्फ लोगों का एंटरटेन किया, बल्कि साउथ की एक ऐसी इंडस्ट्री को उठाया जिसको लोग बहुत कम जानते थे। मिला यश को रॉकी भाई का किरदार। क्यों फिल्म का कलर ग्रेड था येलो? क्या कनाडा इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म है केजीएफ? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ पॉलीग्रैड स्टूडियोज में। जैसे किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता, वैसे ही फिल्म में कौन किस किरदार में आएगा और आके छा जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। ऐसे में बात करें कनाडा इंडस्ट्री की पहली मल्टी लैंग्वेज फिल्म केजीएफ के मेन लीड की, तो इसके लिए डायरेक्टर राइटर प्रशांत नील ने पहले से ही यश को कास्ट करने के लिए सोच लिया था।
प्रशांत ने यश की फिल्म गूगली देखी थी, जिसके बाद उन्होंने यश को रॉकी भाई के लिए अप्रोच किया और बाकी की कहानी आप जानते ही हैं। यश पूरी दुनिया में रॉकी भाई के नाम से जाने जाते हैं और उनसे बेहतर इस किरदार के लिए कोई और हो ही नहीं सकता था। ऐसे में अगर आप भी खोलना चाहते हैं किस्मत का ताला और करना चाहते हैं सिनेमा में काम, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। फिल्म KGF को कागज से पर्दे तक आने में कई सालों का समय लगा और ये समय लगा फिल्म की बारीकियों पर रिसर्च करने में। जी हाँ, फिल्म में 90s और 80s का माहौल दिखाने के लिए मेकर्स ने बहुत सी चीज़ों पर रिसर्च करी और फिल्म की लोकेशन कोलार गोल्ड फील्ड को सेटअप करने में 2 साल का समय लगा। पर इसके बावजूद कुछ ऐसी हिडन चीज़ें हैं जिससे आप लोगों को शायद ही ना पता हो, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिल्म का कलर ग्रेड हमें थोड़ा येलोइश और ग्रे देखने को मिला था। लोगों को ये देखने में काफ़ी विंटेज फील आई, पर इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। पूरी कहानी के अंदर सोने यानी गोल्ड की बात हमें देखने को मिली और यही रीज़न है कि फिल्म के डायरेक्टर ने फिल्म में येलो कलर ग्रेड रखा, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आया। आई होप इस बात को जानने के बाद आपको KGF 3 और भी पसंद आएगी। साउथ इंडस्ट्री कई टुकड़ों में बंटी हुई है, जैसे मलयालम, तेलुगु, तमिल और उन्हीं में से एक इंडस्ट्री है कनाडा इंडस्ट्री, जिसको मेन स्ट्रीम में इतनी पॉपुलरिटी कभी नहीं मिली। पर फिल्म KGF के आने के बाद कनाडा इंडस्ट्री को जमकर पॉपुलरिटी मिली और आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म KGF पहली कनाडा फिल्म है जिसका बजट 90 करोड़ था और पहली मल्टी लैंग्वेज फिल्म भी KGF ही है। ऐसे में KGF और यश ने मिलकर न सिर्फ लोगों को एंटरटेन किया बल्कि साउथ की एक ऐसी इंडस्ट्री को उठाया जिसको लोग बहुत कम जानते थे और आज साउथ की वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में से एक KGF का नाम आता है। और KGF 3 आने के बाद पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट में भी फिल्म को देखा जा सकता है। क्या KGF 3 में संजय दत्त को कैमियो करते दिखाया जाएगा? कहां बिजी है रॉकी भाई? हेलो गाइस, आप देख रहे बॉलीवुड स्टूडियोज और मैं हूं अंकिता। 29 जुलाई 1959 को अभिनेता सुनील दत्त और अभिनेत्री नारगिस के घर में संजय दत्त का जन्म हुआ था। आज संजय दत्त करोड़ों फैंस के दिलों में बसते हैं। बात चाहे प्रोफेशनल लाइफ की करें या फिर पर्सनल लाइफ की, संजय दत्त का विवाद हो और परेशानियों से हमेशा पल्ला पड़ता रहा है और हर बार वो उससे जीत कर आगे बढ़े हैं और यही वजह है कि फैंस उन्हें काफी पसंद करते हैं। हाल ही में इनकी फिल्म समसेरा बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से इनके फैंस काफी दुख हैं। लेकिन आज की यह खबर सुनते ही फैंस एक बार फिर खुश हो जाएंगे। खबरें हैं कि संजू को KGF के कैमियो करते दिखाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हर तरफ बस KGF की बात चल रही है। जहाँ KGF में इस बार विलेन के तौर पर ऋतिक को दिखाया जा सकता है, तो मेकर्स एक बार फिर अधीरा को पर्दे पर दिखाना चाहते हैं। KGF 2 में अधीरा का रोल को बहुत प्यार मिला था और प्यार मिले भी क्यों ना, एक्टिंग संजू ने जो की थी, उनके दमदार एक्टिंग ने अधीरा के कैरेक्टर को जान डाल दी थी। भले इस बार फिल्म में उनका छोटा योगदान रहेगा, पर उनकी एक्टिंग और लुक दोनों ही उनके किरदार में काफी मजबूत बनेगी। फिलहाल संजू और KGF के डायरेक्टर प्रशांत दोनों ही अपने दूसरे प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं। जैसे ही उन्हें इस काम से छुट्टी मिलेगी, वो फौरन ही KGF 3 की शूटिंग में लग जाएंगे। अगर हम फिल्म के हीरो रॉकी भाई की बात करें, तो वो अपनी आने वाली फिल्म तेलुगु ड्रामा फिल्म द मानसून हाउस की शूटिंग में लग गए हैं। इससे पहले वो अपने घर में फैमिली टाइम स्पेंड करते थे। आए दिन वो अपने बच्चों की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते नजर आते हैं। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो साथ ही वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नई फिल्म में पुराना लुक, क्यों एक्साइटेड है यश फिल्म में अपने नए लुक को लेकर? क्या है फिल्म मेकर्स की राय नए लुक को लेकर? तो मेरे प्यारे दर्शकों, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आपका स्वागत। आज हम आपको इस फिल्म से जुड़ी कई इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, जिनको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आजकल के दौर में कौन अपने लुक को लेकर कंसर्न नहीं होता, और अगर वो कंसर्न हमारे अपने रॉकी भाई करे, तो दर्शकों आप ही समझ सकते हैं कि ये लुक गेम कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी फिल्म के अंदर। दोस्तों, अगर लुक की बात करी जाए तो KGF और KGF 2 में रॉकी का वो स्टाइलिश बियर्ड वाला लुक काफी चर्चे में और ट्रेंड में भी रहा है।
सुनने में आ रहा है कि हम सब के फेवरेट रह चुके रॉकी भाई यानी यश KGF 3 में अपने नए लुक को लेकर काफी एक्साइटेड हैं, जिसकी तैयारी भी उन्होंने अभी से ही शुरू कर दी। अब वो लुक कैसा होगा दर्शकों, ये तो KGF 3 के लुक रिविलेशन में ही पता चल जाएगा। लेकिन आप सब ये जान ले कि ये लुक पिछले सारे लुक से काफी अलग होने वाला है। मेकर्स का मानना है कि जैसे संजय दत्त का अधीरा रुक रिविलेशन हुआ था KGF 2 फिल्म के दौरान, बिल्कुल वैसे ही हमारे रॉकी भाई के होने वाले कैरेक्टर का भी लुक रिवील की तैयारी कर रहे हैं KGF 3 के मेकर्स। बात करी जाए मेकर्स की राय की तो उन्होंने अभी तक कोई पुष्टि नहीं करी है इस न्यू लुक वाली बात पर। लेकिन दर्शकों, आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ। वैसे भी किसी भी फिल्म के मेकर्स इस बात का रिस्क कभी नहीं लेते कि उनके आने वाले फिल्म के हीरो का लुक लीक हो जाए रिविलेशन से पहले, क्योंकि दोस्तों इससे खतरा होता है फिल्म की पॉपुलैरिटी कम या फिर लुक कॉपी होने का। माना जाए तो ये न्यू लुक रॉकी की वापसी के लिए प्लान किया जा रहा है, क्योंकि KGF 2 की एंडिंग ऐसी दिखाई गई थी जैसे रॉकी की वापसी बिल्कुल होगी ही नहीं। पर थर्ड पार्ट में मेकर्स रॉकी को एक नए लुक के साथ लाने की तैयारी में है। अक्सर देखा जाता है कि मेकर्स एक बार फेमस हुए लुक को चेंज करने का रिस्क बिल्कुल ही नहीं लेते, लेकिन KGF 3 के डायरेक्टर्स ये रिस्क लेकर फेल होते हैं या पास, अब ये तो दोस्तों वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले इस फिल्म की लेटेस्ट खबरों को जान सके और हम आपको इसकी हर खबर पहले से पहले पहुँचा भी सके। क्या इस बार भी रॉकी भाई अपने ऑन स्क्रीन लुक टेस्ट में पास हो पाएंगे? हीरोइंस में किस बात पर हुई टक्कर? क्यों है मेकर्स में हीरोइंस को लेकर कंफ्यूजन? क्या KGF 3 में इस बार कोई हीरोइन नहीं बनेगी? जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी फिल्म में मेजर दो रोल्स कंसिडर होते हैं, वो मेनली हीरो और हीरोइन के कैरेक्टर्स होते हैं, और ये रोल्स एक फिल्म के लिए इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि पूरी फिल्म सिर्फ इनकी एक्टिंग पर ही डिपेंड करती है। आप चाहे जो मूवी देख ले वो मैटर नहीं करेगा, उसकी क्या स्टोरी थी, क्या गाने थे, वो भी मैटर नहीं करेगा। पर जो एक्चुअल मैटर करता है वो है उस फिल्म में कास्टेड मेन लीड कैरेक्टर्स, जिनकी एक्टिंग का इम्पैक्ट असल में ऑडियंस पर पड़ता है जब भी वो इन कास्टेड एक्टर्स को बिग स्क्रीन पर देखते हैं। तो ये डिसीजन डायरेक्टर्स के लिए काफी कठिन साबित होता है कि वो किसे मूवी में एज अ हीरो और हीरोइन देखते हैं, क्योंकि उनके इस एक डिसीजन पर पूरी फिल्म का फ्यूचर डिसाइड होता है, जिसे कभी फिल्म का प्रॉफिट रेशियो बढ़ जाता है या तो वो घट जाता है। हाल ही में अनाउंस्ड KGF 3 फिल्म के मेकर्स भी बस इसी कंफ्यूजन में उलझे हैं कि इस बार वो किस हीरोइन को एक एग्जिस्टिंग सुपरस्टार हीरो के अपोजिट कास्ट करेंगे। लेकिन डायरेक्टर्स के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार KGF 3 के लिए उनके पास हीरोइंस की काफी लंबी लिस्ट है, जिनमें से एक का नाम है समांथा, जो साउथ की काफी फेमस एक्ट्रेस में से एक है और जिन्होंने पुष्पा में ओ ओ अंटावा गाने से सबके होश उड़ा दिए थे। समांथा से जब एक इंटरव्यू के दौरान ये पूछा गया कि क्या अगर KGF 3 में वो एज एक्ट्रेस आना पसंद करेंगी, तो उनका जवाब ये था कि उन्हें कोई एतराज नहीं है फिल्म में काम करने में, अगर मेकर्स इस बात से राजी हैं तो वो जरूर फिल्म का हिस्सा बनना चाहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ नयनतारा के फैंस को डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा, क्योंकि नयनतारा की डेट्स ना होने की वजह से डायरेक्टर्स ने उनको पार्ट 3 के लिए अभी अप्रोच तक नहीं करा है। और आपको बता दें कि ये दोनों ही काफी फेमस साउथ एक्ट्रेसेस हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग का कोई जवाब ही नहीं है। आखिर क्या नया लाएंगे फिल्म मेकर्स इस बार? आप पार्ट 3 में किसको देखना पसंद करेंगे एज अ हीरोइन, समांथा या फिर कोई और? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में डालें और बॉलीग्रैड स्टूडियोज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और इस फिल्म के फैंस के साथ शेयर करना ना भूलें। है मेकर्स में हीरोइंस को लेकर कंफ्यूजन, क्या KGF 3 में इस बार कोई हीरोइन नहीं बनेगी? हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज खबर लेकर आई हूँ KGF के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि किसी भी फिल्म में मेजर दो रोल्स कंसिडर्ड होते हैं, वो मेनली हीरो और हीरोइन के कैरेक्टर्स होते हैं, और ये रोल्स एक फिल्म के लिए इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि पूरी फिल्म सिर्फ इनकी एक्टिंग पर ही डिपेंड करता है। आप चाहे मूवी देख ले वो मैटर नहीं करेगा, उसकी क्या स्टोरी थी, क्या गाना था, वो भी मैटर नहीं करेगा। पर जो एक्चुअली मैटर करता है वो है उस फिल्म में कास्टेड मेन लीड कैरेक्टर्स, जिनकी एक्टिंग का इम्पैक्ट असल में ऑडियंस पर पड़ता है जब भी वो उन कास्टेड एक्टर्स को बिग स्क्रीन पर देखते हैं। तो ये डिसीजन डायरेक्टर्स के लिए काफी कठिन साबित होता है कि वो किसे मूवी में एज अ हीरो
और हीरोइन देखते हैं, क्योंकि उनके इस एक डिसीजन पर पूरी फिल्म का फ्यूचर डिसाइड होता है, जिससे कभी फिल्म का प्रॉफिट रेशियो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। हाल ही में अनाउंस KGF 3 फिल्म के मेकर्स भी बस इसी कंफ्यूजन में उलझे हैं कि इस बार वो किस हीरोइन को एक एग्जिस्टिंग सुपरस्टार हीरो के साथ कास्ट करेंगे, उसके ऑपोजिट कास्ट करेंगे, जिससे ऑडियंस को ये जोड़ी स्क्रीन पर पसंद आ सके। लेकिन डायरेक्टर्स के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार KGF 3 के लिए उनके पास हीरोइंस की काफ़ी लंबी लिस्ट है, जो नो डाउट काफ़ी टैलेंटेड और मशहूर भी हैं, जिनमें से एक नाम है समंथा, जो साउथ की काफ़ी फेमस एक्ट्रेस में से एक है और जिन्होंने पुष्पा में ऊ अंटवा गाने से सबके होश उड़ा दिए थे। अब वो KGF 3 में आकर क्या धमाल करेंगे, ये तो वक्त और मेकर्स ही बताएंगे। समंथा से जब एक इंटरव्यू के दौरान ये पूछा गया कि क्या अगर KGF 3 में वो एज एन एक्ट्रेस आना पसंद करेंगी, तो उनका जवाब ये था कि उन्हें कोई एतराज नहीं है फिल्म में काम करने में, अगर मेकर्स इस बात से राजी है तो वो जरूर फिल्म का हिस्सा बनना चाहेंगी। सैम की इस बात से तो उनके फैंस काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ नयनतारा के फैंस को डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा, क्योंकि नयनतारा की डेट्स ना होने की वजह से डायरेक्टर्स ने उनको पार्ट 3 के लिए अभी अप्रोच तक नहीं करा है। और आपको बता दें, ये दोनों ही काफी फेमस साउथ एक्ट्रेस हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग का कोई जवाब नहीं। बात करी जाए मेकर्स की, तो वो लोग एक तरफ काफी एक्साइटेड भी हैं फिल्म में कास्टिंग को लेकर, और कंफ्यूज्ड भी है कास्टिंग को लेकर कि क्या नई हीरोइन का मैजिक पार्ट 3 में बिल्कुल अपने हीरो रॉकी की तरह चल पाएगा, या फिर उनको फिल्म में कोई दूसरा न्यू एलिमेंट डालना होगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं पूर्णिमा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से कैमरा यूज हुए हैं KGF सीरीज में। किसी भी फिल्म को बनाने के लिए जितनी जरूरी स्क्रिप्ट होती है, उतना ही किसी फिल्म को शूट करने के लिए जरूरी होता है कैमरा, क्योंकि अगर कैमरा ही नहीं है तो फिर कहानी को बनाया कैसे जाएगा। फिल्मी कैमरा का पहला इन्वेंशन 1845 में फ्रांसिस रोनाल्ड्स ने किया था। आपको जान के हैरानी होगी कि आज तक वीडियो कैमरा नाम की कोई चीज ही नहीं बनी है। हमें जो फिल्में भी दिखाई देती हैं, वो असल में हर सेकेंड की फोटोज कैप्चर होती हैं, और जब वो फोटोज एक साथ इकट्ठा होती हैं तो वो एक वीडियो बनके हमें देखने को मिलता है। बात करें इंडिया के पहले फिल्म कैमरा की, तो उसको यूज किया गया था फिल्म राजा हरिश्चंद्र में, जिसके अंदर हमें पहली बार कोई इंडियन कैमरा के पीछे दिखाई दिए। उनका नाम है हीरा लाल सेन। तब से आज के समय में बहुत से चेंजेस आ चुके हैं और अब हमें एक से बढ़कर एक कैमरा से फिल्मों का शूट देखने को मिलता है। KGF 2 के शूट में हमें ARRI Alexa S60 कैमरा से देखने को मिला था, जिसका टोटल वेट 40 किलो है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि वो एक नॉर्मल टीनेजर के वजन के बराबर है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस कैमरा को खुद फिल्म के सिनेमाटोग्राफर भुवन गोड़ा ने अपने कंधों पर रख के शूट किया था, ताकि वो अपना मन चाहा एंगल और शॉट लेकर शूट कर सके। तो ऐसे में एक फिल्म को बनाना जितना आसान आप सोचते हैं उतना होता नहीं है। अगर आप भी इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो देरी किस बात की है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। फिल्म KGF 2 के रिलीज के बाद हमें भुवन गोड़ा की मेहनत सफल होती नजर आई थी, क्योंकि फिल्म के सभी शॉट्स की जमकर तारीफें हो रही थी, खासकर फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की। हो सकता है हमें फिल्म के तीसरे पार्ट में भी भुवन ही फिल्म की सिनेमाटोग्राफी संभालते हुए नजर आए। अब बात करें अगर फिल्म के कैमरा की, तो जैसा हमने आपको बताया कि फिल्म में ARRI Alexa SX60 कैमरा इस्तेमाल किया गया था, जो कि ऑस्कर विनर फिल्म पैरासाइट में भी यूज हो चुका है। पर KGF 3 में मेकर्स इससे भी बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए वर्ल्ड के मोस्ट एक्सपेंसिव कैमरा ARRI Alexa 65 से शूट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। बता दें कि ये कैमरा भी ऑस्कर विनिंग फिल्म जोकर में इस्तेमाल हो चुका है, और हमने फिल्म की क्वालिटी में बहुत सी चीजें बारीकी से देखने को मिली थी। ऐसे में अगर फिल्म के तीसरे पार्ट में हमें ये कैमरा इस्तेमाल होते हुए दिखता है, तो KGF 3 की सिनेमाटोग्राफी में हमें बहुत ही बेहतर एक्सपीरियंस मिल सकता है। आपको क्या लगता है, KGF 3 में देखने को मिलेगी और भी बेहतरीन क्वालिटी की सिनेमाटोग्राफी? क्या होगा नई फिल्म में पुराना लुक? क्यों एक्साइटेड है यश फिल्म में अपने नए लुक को लेकर? क्या है फिल्म मेकर्स की राय नए लुक को लेकर? तो मेरे प्यारे दर्शकों, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस फिल्म से जुड़ी कई इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, जिनको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे।
आजकल के दौर में कौन अपने लुक को लेकर कंसर्न नहीं होता, और अगर वो कंसर्न हमारे अपने रॉकी भाई करे तो दर्शकों आप ही समझ सकते हैं कि ये लुक गेम कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी फिल्म के अंदर। दोस्तों अगर लुक की बात करी जाए तो केजीएफ और केजीएफ 2 में रॉकी का वो स्टाइलिश बियर्ड वाला लुक काफी चर्चे में और ट्रेंड में भी रहा है। सुनने में आ रहा है कि हम सब के फेवरेट रह चुके रॉकी भाई यानी यश केजीएफ 3 में अपने नए लुक को लेकर काफी एक्साइटेड हैं, जिसकी तैयारी भी उन्होंने अभी से ही शुरू कर दी। अब वो लुक कैसा होगा दर्शकों, ये तो केजीएफ 3 के लुक रिविलेशन में ही पता चल जाएगा। लेकिन आप सब ये जान ले कि ये लुक पिछले सारे लुक से काफी अलग होने वाला है। मेकर्स का मानना है कि जैसे संजय दत्त का अधीरा रुख रिविलेशन हुआ था केजीएफ 2 फिल्म के दौरान, बिल्कुल वैसे ही हमारे रॉकी भाई के होने वाले कैरेक्टर का भी रुख रिवील की तैयारी कर रहे हैं केजीएफ 3 के मेकर्स। बात करी जाए मेकर्स की राय की तो उन्होंने अभी तक कोई पुष्टि नहीं करी है इस न्यू लुक वाली बात पर। लेकिन दर्शकों आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ। वैसे भी किसी भी फिल्म के मेकर्स इस बात का रिस्क कभी नहीं लेते कि उनके आने वाले फिल्म के हीरो का लुक लीक हो जाए रिविलेशन से पहले, क्योंकि दोस्तों इससे खतरा होता है फिल्म की पॉपुलैरिटी कम या फिर लुक कॉपी होने का। माना जाए तो ये न्यू लुक रॉकी की वापसी के लिए प्लान किया जा रहा है, क्योंकि केजीएफ 2 की एंडिंग ऐसी दिखाई गई थी जैसे रॉकी की वापसी बिल्कुल होगी ही नहीं। पर थर्ड पार्ट में मेकर्स रॉकी को एक नए लुक के साथ लाने की तैयारी में है। अक्सर देखा जाता है कि मेकर्स एक बार फेमस हुए लुक को चेंज करने का रिस्क बिल्कुल ही नहीं लेते, लेकिन केजीएफ 3 के डायरेक्टर्स ये रिस्क लेकर फेल होते हैं या पास, अब ये तो दोस्तों वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले इस फिल्म की लेटेस्ट खबरों को जान सके और हम आपको इसकी हर खबर पहले से पहले पहुंचा भी सके। क्या इस बार भी रॉकी भाई अपने ऑन स्क्रीन लुक टेस्ट में पास हो पाएंगे? क्या केजीएफ 3 में संजय दत्त को कैमियो करते दिखाया जाएगा? कहां बिजी है रॉकी भाई? हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज और मैं हूं अंकिता। 29 जुलाई 1959 को अभिनेता सुनील दत्त और अभिनेत्री नारगिस के घर में संजय दत्त का जन्म हुआ था। आज संजय दत्त करोड़ों फैंस के दिलों में बसते हैं। बात चाहे प्रोफेशनल लाइफ की करें या फिर पर्सनल लाइफ की, संजय दत्त का विवादों और परेशानियों से हमेशा पल्ला पड़ता रहा है और हर बार वो उससे जीत कर आगे बढ़े हैं, और यही वजह है कि फैंस उन्हें काफी पसंद करते हैं। हाल ही में इनकी फिल्म समसेरा बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से इनके फैंस काफी दुख हैं। लेकिन आज की यह खबर सुनते ही फैंस एक बार फिर खुश हो जाएंगे। खबरें हैं कि संजू को केजीएफ के कैमियो करते दिखाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हर तरफ बस केजीएफ की बात चल रही है। जहाँ केजीएफ में इस बार विलेन के तौर पर ऋतिक को दिखाया जा सकता है, तो मेकर्स एक बार फिर अधीरा को पर्दे पर दिखाना चाहते हैं। केजीएफ 2 में अधीरा का रोल को बहुत प्यार मिला था, और प्यार मिले भी क्यों ना, एक्टिंग संजू ने जो की थी, उनके दमदार एक्टिंग ने अधीरा के कैरेक्टर को जान डाल दी थी। भले इस बार फिल्म में उनका छोटा योगदान रहेगा, पर उनकी एक्टिंग और लुक दोनों ही उनके किरदार में काफी मजबूत बनेगी। फिलहाल संजू और केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत दोनों ही अपने दूसरे प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं। जैसे ही उन्हें इस काम से छुट्टी मिलेगी, वो फौरन ही केजीएफ 3 की शूटिंग में लग जाएंगे। अगर हम फिल्म के हीरो रॉकी भाई की बात करें तो वो अपनी आने वाली फिल्म तेलुगु ड्रामा फिल्म द मानसून हाउस की शूटिंग में लग गए हैं। इससे पहले वो अपने घर में फैमिली टाइम स्पेंड करते थे। आए दिन वो अपने बच्चों की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते नजर आते हैं। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कैसे मिला यश को रॉकी भाई का किरदार? क्यों फिल्म का कलर ग्रेड था येलो? क्या कनाडा इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म है केजीएफ? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। जैसे किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता, वैसे ही फिल्म में कौन किस किरदार में आएगा और आके छा जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। ऐसे में बात करें कनाडा इंडस्ट्री की पहली मल्टी लैंग्वेज फिल्म केजीएफ के मेन लीड की, तो इसके लिए डायरेक्टर राइटर प्रशांत नील ने पहले से ही यश को कास्ट करने के लिए सोच लिया था। प्रशांत ने यश की फिल्म गूगली देखी थी, जिसके बाद उन्होंने यश को रॉकी भाई के लिए अप्रोच किया, और बाकी की कहानी आप जानते ही हैं। यश पूरी दुनिया में रॉकी भाई के नाम से जाने जाते हैं, और उनसे बेहतर इस किरदार के लिए कोई और हो ही नहीं सकता था। ऐसे में अगर आप भी खोलना चाहते हैं किस्मत का ताला और करना चाहते हैं सिनेमा में काम, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें
और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। फिल्म केजीएफ को कागज से पर्दे तक आने में कई सालों का समय लगा और ये समय लगा फिल्म की बारीकियों पर रिसर्च करने में। जी हाँ, फिल्म में 90s और 80s का माहौल दिखाने के लिए मेकर्स ने बहुत सी चीज़ों पर रिसर्च करी और फिल्म की लोकेशन कोलार गोल्ड फील्ड को सेटअप करने में 2 साल का समय लगा। पर इसके बावजूद कुछ ऐसी हिडन चीज़ें हैं जिससे आप लोगों को शायद ही ना पता हो, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिल्म का कलर ग्रेड हमें थोड़ा येलोइश और ग्रे देखने को मिला था। लोगों को ये देखने में काफ़ी विंटेज फील आई, पर इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। पूरी कहानी के अंदर सोने यानी गोल्ड की बात हमें देखने को मिली और यही रीज़न है कि फिल्म के डायरेक्टर ने फिल्म में येलो कलर ग्रेड रखा, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आया। आई होप इस बात को जानने के बाद आपको KGF 3 और भी पसंद आएगी। साउथ इंडस्ट्री कई टुकड़ों में बंटी हुई है, जैसे मलयालम, तेलुगु, तमिल और उन्हीं में से एक इंडस्ट्री है कनाडा इंडस्ट्री, जिसको मेन स्ट्रीम में इतनी पॉपुलरिटी कभी नहीं मिली। पर फिल्म KGF के आने के बाद कनाडा इंडस्ट्री को जमकर पॉपुलरिटी मिली और आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म KGF पहली कनाडा फिल्म है जिसका बजट 90 करोड़ था और पहली मल्टी लैंग्वेज फिल्म भी KGF ही है। ऐसे में KGF और यश ने मिलकर न सिर्फ लोगों को एंटरटेन किया बल्कि साउथ की एक ऐसी इंडस्ट्री को उठाया जिसको लोग बहुत कम जानते थे और आज साउथ की वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में से एक KGF का नाम आता है। और KGF 3 आने के बाद पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट में भी फिल्म को देखा जा सकता है। आपको क्या लगता है? कहा फिल्म के डायरेक्टर ने, क्या ऋतिक को पहले भी ऑफर हुई थी साउथ की फिल्म? हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज और मैं हूं अंकिता। साउथ स्टार यश की फिल्म KGF 2 में अपनी रिलीज के बाद भी सिनेमा घरों में दबदबा बनाए हुए हैं। KGF 2 देखने के क्रेज जिस तरह था इसके रिलीज से पहले दिन था, उसी तरह अभी भी कायम है। इसके बीच इस फिल्म ने अलग पार्ट यानी KGF 3 को लेकर चर्चा में हो चुके हैं। खबरें की माने तो KGF 2 की सफलता को देखते हुए मेकर्स इसका अगला पार्ट बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। प्रोड्यूसर विजय ने इंटरव्यू में अपनी बात के आगे बढ़ाते कहते हुए कहा कि तीसरे पार्ट को क्या होगा, कैसी कहानी होगी, ये वक्त के साथ सामने आएगा, अभी ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने बताया कि अभी डायरेक्टर अपनी फिल्म सलार को लेकर शूटिंग में बिजी है। सलार की शूटिंग पूरी होने के बाद ही KGF 2 की शूटिंग शुरू होगी। खबर है कि ऋतिक रोशन को मूवी में लेने के लिए अप्रोच किया जाएगा। फिल्म के निर्माता विजय से ऋतिक रोशन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इसका गोलमोल जवाब दिया। हालांकि उन्होंने इस बात का इनकार कर दिया कि वो KGF के अगले पार्ट के लिए ऋतिक रोशन को लेना नहीं सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि डेट्स फाइनल करने के बाद ही मूवी की स्टार कास्ट फाइनल कर पाएंगे, उसी वक्त कलाकार को कास्ट करने के प्रोसेस में लिया जाएगा। यह सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि तीसरे पार्ट पर काम कब शुरू होगी। गौरतलब है कि ऋतिक रोशन ने पहले भी साउथ की मूवी ठुकरा चुके हैं। SS राजामौली ने बाहुबली के लीड रोल के लिए ऋतिक रोशन को ऑफर दिया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, जिसके बाद यह रोल प्रभास को मिला था। इस मूवी के दोनों पार्ट सुपरहिट साबित हुए हैं। आपको क्या लगता है कि दोस्तों, क्या इस बार भी ऋतिक फिल्म के लिए मना कर देंगे? कहा फिल्म के डायरेक्टर ने, क्या ऋतिक को पहले भी ऑफर हुई थी साउथ की फिल्म? हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज और मैं हूं अंकिता। साउथ स्टार यश की फिल्म KGF 2 में अपनी रिलीज के बाद भी सिनेमा घरों में दबदबा बनाए हुए हैं। KGF 2 देखने के क्रेज जिस तरह था इसके रिलीज से पहले दिन था, उसी तरह अभी भी कायम है। इसके बीच इस फिल्म ने अलग पार्ट यानी KGF 3 को लेकर चर्चा में हो चुके हैं। खबरें की माने तो KGF 2 की सफलता को देखते हुए मेकर्स इसका अगला पार्ट बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। प्रोड्यूसर विजय ने इंटरव्यू में अपनी बात के आगे बढ़ाते कहते हुए कहा कि तीसरे पार्ट को क्या होगा, कैसी कहानी होगी, ये वक्त के साथ सामने आएगा, अभी ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने बताया कि अभी डायरेक्टर अपनी फिल्म सलार को लेकर शूटिंग में बिजी है। सलार की शूटिंग पूरी होने के बाद ही KGF 2 की शूटिंग शुरू होगी। खबर है कि ऋतिक रोशन को मूवी में लेने के लिए अप्रोच किया जाएगा। फिल्म के निर्माता विजय से ऋतिक रोशन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इसका गोलमोल जवाब दिया। हालांकि उन्होंने इस बात का इनकार कर दिया कि वो KGF के अगले पार्ट के लिए ऋतिक रोशन को लेना नहीं सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि डेट्स फाइनल करने के बाद ही मूवी की स्टार कास्ट फाइनल कर पाएंगे, उसी वक्त कलाकार को कास्ट करने के प्रोसेस में लिया जाएगा।
यह सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि तीसरे पार्ट पर काम कब शुरू होगी। गौरतलब है कि ऋतिक रोशन ने पहले भी साउथ की मूवी ठुकरा चुके हैं। SS राजामौली ने बाहुबली के लीड रोल के लिए ऋतिक रोशन को ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, जिसके बाद यह रोल प्रभास को मिला था। इस मूवी के दोनों पार्ट सुपरहिट साबित हुए हैं। आपको क्या लगता है कि दोस्तों, क्या इस बार भी ऋतिक फिल्म के लिए मना कर देंगे? क्या है इनायत खलील और रॉकी का बड़ा सौदा? क्या होगा रॉकी का मास्टर एस्केप प्लान? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। KGF को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है कि फरमान अभी भी जिंदा है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे, क्योंकि अगर वो अधीरा के हाथ लग गया तो अधीरा ने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया? तो आपको बता दें कि अधीरा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चाहता था कि रॉकी को उसकी ताकत का अंदाजा हो जाए। फरमान ने देखा था कि अधीरा ने किस तरह रॉकी के लिए काम करने वाले लोगों को मार डाला। ऐसे में अधीरा चाहता था कि फरमान रॉकी को ये सब बताए और रॉकी के जहन में एक दहशत भरी तस्वीर उतार दे। अधीरा ने इसके लिए फरमान को ही चुना क्योंकि फरमान बहुत छोटा था और अधीरा को लगा कि नहीं, फरमान से अधीरा को कोई खतरा नहीं हो सकता। और उस दिन अधीरा के एक कैंप में फरमान ने जो भी देखा और रॉकी को बताया, वो सब हमें KGF 3 में देखने को मिलेगा। दोस्तों, रॉकी ने इनायत खलील से एक सौदा किया था जिसमें इनायत रॉकी को 500 मैट्रिक्स टन सोना देने वाला था और उसके बदले रॉकी ने उसे KGF का सारा गोल्ड देने का वादा किया था। इनायत दुबई में अपना दबदबा बना चुका था और रॉकी जानता था कि इनायत के लिए गोल्ड को स्मगल करना कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। इनायत गोल्ड को सीज ओशन के रूट से भेजता क्योंकि पानी ही एक ऐसा सबसे सेफ जरिया है जिससे एक देश से दूसरे देश में हम आराम से सामान को ले जा सकते हैं और ला सकते हैं। अब यहां से शुरू होता है रॉकी का मास्टर प्लान। रॉकी ने इंडोनेशियन नेवी को वादा किया था कि वो उनको उनका सारा सोना वापस बदले में दे देगा, लेकिन बदले में इंडोनेशियन नेवी को KGF का सारा गोल्ड सही सलामत रॉकी के बैंक अकाउंट में जमा करवाना होगा, जिससे रॉकी के जाने के बाद भी KGF के लोग उस गोल्ड को यूज करके अच्छे से अपनी लाइफ जी सके। और दोस्तों, ऐसा हुआ भी। रॉकी ने इनायत से लिया हुआ गोल्ड इंडोनेशियन नेवी को दिया था और इसके बदले में उन्होंने KGF का सारा सोना सुरक्षित रॉकी के इंटरनेशनल बैंक अकाउंट में जमा कर दिया। अब जब रॉकी ने सबमरीन की मदद से खुद को सही सलामत बचा लिया, तब उसने उस बैंक अकाउंट से सोना निकालकर खुद को दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड बिजनेसमैन संभालने वाला इंसान बनाने वाली सीढ़ी पर पैर रख दिया था। दोस्तों, रॉकी के मरने के बाद इनायत के पास वो रास्ता कहीं नहीं था वो अपना गोल्ड वापस ले सके, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि KGF का सारा सोना इंडोनेशिया में है। अब आप हमें जल्दी से बताइए कि आपको कैसा लगा है रॉकी का ये मास्टर प्लान। इस फिल्म के स्टार कास्ट की फीस, किसे फिल्म के लिए मिली सबसे ज्यादा सैलरी, कब आएगा इस फिल्म का अगला चैप्टर? KGF एक ऐसी सीरीज है जो किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। आप सब ने KGF 2 देखी ही होगी और हम आपको ये भी बता चुके हैं कि KGF 3 भी बहुत ही जल्दी सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है। फिलहाल आज हम आपके साथ शेयर करेंगे KGF चैप्टर 2 की स्टार कास्ट से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो क्या आपको पता है कि फिल्म की स्टार कास्ट ने कितनी ज्यादा फीस चार्ज की है? हम बताते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं रॉकी भाई यानी कि सुपरस्टार यश की। एक रिपोर्ट के मुताबिक KGF के पहले चैप्टर के लिए यश ने 15 करोड़ रुपीस की फीस ली थी, वहीं चैप्टर 2 के लिए उनकी फीस में 10 करोड़ रुपए की इजाफा हुआ था, यानी कि यश के चैप्टर 2 के लिए 25 करोड़ रुपए मिले थे। और अब बात करते हैं फिल्म के खूंखार खलनायक की। KGF फिल्म की सक्सेस के लिए एक बड़ी USP अधीरा यानी कि संजय दत्त को मना जा रहा है, और फिल्म में संजय दत्त ने अपने खलनायक रूप से दर्शकों को सच में डरा दिया है। अगर इनके फीस की बात करें तो इन्हें फिल्म के लिए 10 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे। अब बात करते हैं बॉलीवुड के एक और चेहरे की, जो है रवीना टंडन। फिल्म में रवीना राजनीति के दांव पीछे खेलती नजर आ रही हैं और KGF चैप्टर 2 के लिए रवीना को करीब 1.5 करोड़ की फीस मिलने की खबर सामने आ रही है। जब से KGF चैप्टर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में इसके अगले पार्ट की झलक दिखाई दे रही है, तब से ही फैंस को KGF चैप्टर 3 का बेसब्री से इंतजार है। वो जानने को बेताब हैं कि आखिर कब उनके रॉकी भाई बड़े पर्दे पर वापस लौटेंगे। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि KGF की सक्सेस में बहुत बड़ा रोल है मूवी के हीरो यश का। हम सबके चहेते यश को KGF के पहले कोई नहीं जानता था,
और आज आलम यह है कि बच्चा बच्चा अपने रॉकी भाई के स्टाइल को फॉलो कर रहा है। तभी तो सुपरस्टार यश ने इस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा पैसे की डिमांड की थी और मेकर्स भी उन्हें ये नहीं कह पाए क्योंकि वो जानते हैं कि यश ये पैसे डिजर्व करते हैं। यहाँ तक कि केजीएफ के पहले चैप्टर के बाद यश ने अपनी फीस में 10 करोड़ का इजाफा किया था और केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीज के बाद से ही फैंस इसके अगले सीक्वल का इंतजार भी कर रहे हैं, जिसको लेकर कुछ दिन पहले मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आई थी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि उनका कहना ये है कि फिल्म अगले साल नहीं बल्कि 2025 तक रिलीज की जाएगी, जिसका मतलब है कि रॉकी भाई के फैंस को अभी और भी ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। अब ये सुनने के बाद आपके मन में एक सवाल तो आ ही गया होगा कि आखिर इस फिल्म को आने में इतनी देर क्यों हो रही है। तो हम आपको बताते हैं कि दरअसल इस वक्त प्रशांत नील फिल्म सलार के डायरेक्शन में बिजी हैं और इस फिल्म में हमें प्रभास से एज अ लीड रोल नजर आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि ये फिल्म इनका काफी बड़ा प्रोजेक्ट है और इसका अभी 30-40% हिस्सा ही शूट हुआ है, इसलिए प्रशांत नील अभी केजीएफ पर काम शुरू नहीं कर रहे हैं। खैर, केजीएफ के टीजर चैप्टर के लिए अभी फैंस का इंतजार थोड़ा सा लंबा होने वाला है। फिलहाल अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप केजीएफ 3 को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, हमें ये कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इतनी सक्सेस के बाद भी उड़ा फिल्म का मजाक, क्या रियल माइनिंग वाली जगह पर हुआ था शूट? कैसे फाइनल हुआ रॉकी भाई का लुक? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रैड स्टूडियोज में। केजीएफ के बाद केजीएफ 2 के लिए लोगों को 4 साल का इंतजार करना पड़ा। हाल ही में फिल्म कोविड की वजह से भी काफी डिले हुई, पर फाइनली 2022 में फिल्म को रिलीज कर दिया गया और फिल्म ने आके वही किया जो फिल्म से उम्मीद थी। सारे रिकॉर्ड ब्रेक हुए, हर जगह रॉकी भाई का नाम दिखने को मिला, पर इस सब के बावजूद काफी लोगों ने फिल्म के एक्शन का मजाक उड़ाया क्योंकि फिल्म में हमें बहुत से सीन्स में कुछ भी देखने को मिला, जैसे कि मशीन गन से सिगरेट जलाने वाला सीन और रॉकी भाई अकेले 1000 लोगों को मार के खड़ा हो जाता है, वो भी बिना किसी खरोच के। पर इस सब के बावजूद फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई, शायद यही यूएसपी थी फिल्म की। ऐसे में बात करें केजीएफ 3 की तो हमें इसमें भी ऐसे ही एक्शन देखने को मिल सकते हैं क्योंकि मजाक उड़ाने वाले कम हैं पर फिल्म को प्यार देने वाले लोग बहुत ज्यादा। ऐसे में मेकर्स यही टेक्निक फिल्म के तीसरे पार्ट में भी कंटिन्यू करते दिख सकते हैं। फिल्म के दूसरे पार्ट को आने में 4 साल लगे और फिल्म के सेट यानी कोलार गोल्ड फील्ड की जगह को बनाने में 2 साल लग गए। पर क्या आपको पता है कि फिल्म में दिखाई गई जगह सच में माइनिंग वाली जगह थी? जी हाँ, फिल्म को रियल माइनिंग लोकेशन पर शूट किया गया था जहाँ शूटिंग करना काफी मुश्किल था। इसी वजह से मेकर्स ने फिल्म के सेट पर काम कर रहे सभी 8000 लोगों का इंश्योरेंस कराया था और फिल्म में शूटिंग की टाइमिंग भी कम रखी गई थी ताकि माइनिंग वाली जगह पर स्मूथली शूट हो सके। ऐसे में अगर आप भी इतनी मेहनत के लिए हो तैयार तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। फिल्म के राइटर और डायरेक्टर प्रशांत नील ने यश को अपनी फिल्म में मेन लीड के लिए पहले ही सोच लिया था, पर उनका लुक और भी डैशिंग और कूल दिखाने के लिए मेकर्स काफी तरकीब लगाते हुए दिखाई दिए थे और तब जाके रॉकी भाई का लुक सामने आया। दरअसल फिल्म में रॉकी के किरदार को मैसी, रॉ और मस्कुलिन दिखाना था, जिसके लिए उनकी पर्सनल स्टाइलिस्ट सानिया सरधिया ने अपने कई लुक ट्राई किए और फिल्म 90s एरा पर बेस्ड थी, जिसके चलते उन्होंने यश को ऐसा लुक दिया जो कि आज सब में फेमस है। बात करें केजीएफ 2 की तो फिल्म में रॉकी के लुक को ज्यादा चेंज नहीं दिया गया था, बस उसे थोड़ा और कूल और वेल ड्रेस्ड दिखाया गया जो कि हमने केजीएफ 3 में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिल्म में रॉकी का वो टाइमलाइन भी देखने को मिल सकता है जब वो अपनी बुलंदियों को हासिल कर चुका था। अर्जुन हो रहे हैं ट्रोल, क्या पुष्पा के मेकर्स कर रहे हैं केजीएफ को कॉपी, क्यों फैंस भड़के सुकुमार पर? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति दुबे और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। फिल्में देखना सभी को पसंद है और फिल्मों के बारे में जानना उससे भी ज्यादा है ना, पर जब आप फिल्म देखने जाते हैं, अपनी मेहनत की कमाई उस फिल्म की टिकट पर लगाते हैं, तब आपको पता चलता है कि अरे ये फिल्म तो मैंने देखी है, पर अचानक से इसके किरदार क्यों बदल गए? जी हाँ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कॉपी करके फिल्म बनाने वालों की और कुछ इसी केस में हाल ही में अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा फंस गई है।
जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, वही पुष्पा जिसे देखने के बाद शायद आपने कहा होगा पुष्पा आई हेट वेटिंग रे। और ये सुनकर सुकुमार ने सीक्वल की अनाउंसमेंट कर डाली, पर उन्हें कौन समझाए कि सिर्फ दर्शकों को सीक्वल की अनाउंसमेंट करके उन्हें किसी और फिल्म की कहानी परोस कर वो कहीं से भी और कभी भी हिट डायरेक्टर नहीं बन जाएंगे। केजीएफ की कहानी कहीं से भी पुष्पा की सीक्वल नहीं बन सकती, पर कौन समझाए उन्हें ये बात। पता है हमें आप थोड़े से कंफ्यूज जरूर लग रहे हैं, आपका कंफ्यूजन आपके सर पे चढ़ चुका होगा क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर ये पूरा का पूरा माजरा है क्या। तो हम आपको आइए डिटेल में बताते हैं ये पूरी बात। अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा को पैन इंडिया लेवल पे ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया था। इस फिल्म में अल्लू के अलावा रश्मिका मंदाना और फहद फासिल थे। इस फिल्म को डायरेक्टर सुकुमार ने डायरेक्ट किया था। हुआ क्या कि अभी हाल ही में सुकुमार ने पुष्पा की सीक्वल को लेकर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर डाली, जिसके बाद जाहिर सी बात है फैंस हमेशा की तरह खुश तो हो गए। लेकिन दूसरी सीक्वल आई ही नहीं थी कि तब तक पुष्पा की तीसरी की भी बात खड़ी हो गई और सामने आ गई। जी हाँ, होश मत खोइए, सही कह रहे हैं हम। फिल्म में भंवर का किरदार निभा रहे फहद फासिल ने अपने ट्विटर अकाउंट के साथ साथ एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि डायरेक्टर ने उनसे पुष्पा 3 को लेकर चर्चा की है। जब से उन्होंने ये कह दिया है तब से हर तरह की रिएक्शन का सामना करना पड़ रहा है फिल्म की पूरी टीम को, खासकर सुकुमार को। आगे आपको जानकारी के लिए ये भी बताते चले कि असल में फहद ने ट्वीट किया था कि जब सुकु सर ने फिल्म की कहानी मुझे बताई उस वक्त फिल्म सिर्फ अपनी पहली कड़ी में थी, पुलिस स्टेशन की सीन और मेरे सेकंड हाफ के पार्ट के बाद फिल्म 2 पार्ट्स में बन गई। हाल ही में जब उन्होंने मुझसे बात की थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि पुष्पा 3 के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि उनके पास पर्याप्त मटेरियल है इसे करने के लिए। वहीं आगे आपको ये भी बताते चलें कि केजीएफ की कहानी के बेस पे पुष्पा को सुकुमार आगे बढ़ाने वाले हैं। इस दावे के साथ लोग सुकुमार को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। जी हाँ, असल में पुष्पा 3 का आइडिया केजीएफ की फ्रेंचाइजी से ही उठाया गया है। प्रशांत नील की केजीएफ कितनी हिट थी ये आप सभी जानते हैं, पर इस फिल्म की सफलता को देखकर बाकी फिल्में भी अब इसकी कॉपी करने लगी है। इसी वजह से केजीएफ के फैंस गुस्से में दिख रहे हैं और अपने अपने ओपिनियंस को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर डायरेक्टर सुकुमार को निशाना बना रहे हैं। आपको बताते चलें कि एक यूजर ने कहा कि केजीएफ के रास्ते चल रही फिल्म की स्क्रिप्ट भी पूरी तरह से केजीएफ 1 पे बेस्ड है। वहीं दूसरे फैंस ने लिखा कि अब हर फिल्म को केजीएफ चैप्टर 2 बनाना है क्या। वहीं तीसरे यूजर ने अपने पॉइंट को आगे रखते हुए कहा कि मेकर्स के पास दूसरे कंटेंट को बनाने के लिए पर्याप्त मटेरियल नहीं है, सभी को पता है कि ये कहां से इंस्पायर्ड है। फैंस के दिए गए रिएक्शन से साफ पता चलता है कि किस तरह से लोग केजीएफ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मेकर्स को समझाना चाहिए कि ये प्रशांत नील की अपनी इमेजिनेशन थी जिसके कारण आज केजीएफ इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी बन चुकी है। कुछ प्लानिंग के साथ ही प्रशांत ने केजीएफ 3 को लाने के बारे में सोचा है, पर अगर कोई उनकी मेहनत पर अपनी क्रेडिट लेने लगे तो फिर क्या फर्क रह जाता है एक आर्टिस्ट और एक इमिटेट करने वालों में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करिए और शेयर करिए, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। वजन बढ़ा रहे हैं यश, क्या केजीएफ 3 का ट्रेलर हुआ आउट? कौन है रवि बसरूल? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। रॉकी भाई की सीटी मार एंट्री से फिर गूंजने वाला है सिनेमाघर। जी हाँ, जल्दी केजीएफ 3 फिर से दिलों में राज करने आ रही है एक अलग नई कहानी के साथ और नए ट्विस्ट के साथ। रॉकी भाई जिंदा हैं और उन्हें आने वाले समय में विदेशों में देखा जाएगा। चैप्टर 3 के लिए यश दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन्हें फिल्म के लिए 8 किलो वजन बढ़ाना है जिसके लिए वो काफी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हैं। अगर हम फिल्म के ट्रेलर या टीजर की बात करें तो किसी तरह का ट्रेलर या टीजर आउट नहीं हुआ है। दरअसल एक रिपोर्टर से बात करते वक्त प्रशांत ने कहा था कि इसे वो शानदार तरीके से दिखाना चाहते हैं, फिल्म के एक एक सीन को वो बिल्कुल नेचुरल दिखाना चाहते हैं एकदम परफेक्ट शॉट के साथ। फिल्म के कई सीन को हंटिंग एरियाज में शूट किया जाएगा। फिल्म कर्नाटक के कई छोटे बड़े हिस्सों में शूट की जाएगी। यश की कॉस्ट्यूम डिजाइनर सानिया फिल्म में इनके लुक को काफी दमदार दिखाने के लिए अच्छा काम कर रही हैं। सानिया रियल लाइफ में भी यश की स्टाइलिश हैं और वो इनके हर लुक का पूरा ध्यान रखती हैं। फिल्म को एक और चीज हिट बनाती है, वो है म्यूजिक। केजीएफ 3 में म्यूजिक कंपोजर रवि बसरूड को लिया जाएगा।
इन्होंने केजीएफ के बैकग्राउंड को एकदम स्पाइन चिलिंग थंपिंग म्यूजिक के साथ फैंस को दीवाना बना लिया है। इसीलिए इस बार प्रशांत फिल्म के साउंड इफेक्ट को और भी ज्यादा कमाल का दिखाना चाहते हैं, ताकि फैंस स्टोरी के साथ साथ साउंड का भी लुफ्त उठा सकें। इन टोटल फिल्म काफी जबरदस्त होने वाली है और एक नया रिकॉर्ड कायम करने वाली है हिंदुस्तानी सिनेमा में, यानी कि रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड, हिंदुस्तान में रिकॉर्ड, देश विदेशों में रिकॉर्ड। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। क्या आप भी KGF 3 के म्यूजिक को पसंद करते हैं? क्या आप भी KGF 3 के लिए एक्साइटेड हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज। फिर क्या है माँ वाले एलिमेंट का राज, क्या कहना है मेकर्स का इस बात पर? हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज खबर लेकर आई हूँ KGF 3 के बारे में। माँ शब्द सुनते ही मन में ये ख्याल आता है कि आखिर कोई कैसे इतना सब कुछ हमारे लिए सहन करके भी हमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, सिवाय इस चीज के कि हम अपनी अपनी जिंदगियों में एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकें। हर माँ अपने बच्चे को पालने के लिए वो सब कर गुजरती है जो इस दुनिया में उस माँ के अलावा कोई नहीं कर सकता। माँ शब्द से जो लोगों का लगाव होता है, बस उसी एक एलिमेंट से फिल्म की हर स्टोरी लाइन इंस्पायर्ड होती है। चाहे नई फिल्म हो या पुरानी, माँ का इमोशन आपको सब में नजर आएगा, जिससे आप अपने आप को फिल्म से कनेक्ट करने से रोक नहीं पाएंगे। फिल्म मेकर्स की माने तो इमोशंस ही एक ऐसी चीज होती है जिससे फिल्म का कनेक्शन ऑडियंस से स्ट्रॉन्ग होता है और वो फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित होती है। बात करी जाए KGF 3 की तो उसकी पूरी स्टोरी लाइन ही एक माँ के सपने के ऊपर बेस्ड है, जिसका बेटा उसका हर सपना पूरा करने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देता है। फिल्म की राइटिंग इतनी शार्प दिखाई गई है कि प्रेजेंट रॉकी के काम और उसकी माँ की बातें जो उसकी माँ ने उसको बचपन में कही थी, इसी छोटे से एलिमेंट को मेकर्स इतनी चालाकी से यूज करते हैं कि ऑडियंस स्क्रीन से अपना ध्यान हटा ही नहीं पाते। आपको वो डायलॉग तो याद ही होगा, एक माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता। बस इसी एक डायलॉग ने पूरी फिल्म को एक नया मुकाम दे दिया, जिससे ये फिल्म कई प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड होने लगी। KGF 3 जो कि अभी अपकमिंग मूवीज में से एक है, उसके मेकर्स ने ये बताया है कि ये माँ वाला एलिमेंट रॉकी के साथ तब तक दिखाया जाएगा जब तक वो फिल्म में नजर आते रहेंगे, क्योंकि रॉकी का कैरेक्टर जो भी दिखाया गया है अपनी जिंदगी में, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से दिखाया गया है, जिसके कारण ही रॉकी की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा हाई है। सुनने में ये भी आ रहा है कि मेकर्स पार्ट 3 और उसके आने वाले पार्ट्स में भी रॉकी और उसकी माँ के रिश्ते की गहराइयों को दिखाते नजर आएंगे। हालांकि ये पार्ट्स काफी कम समय के लिए स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे, लेकिन इससे मेकर्स का मानना है कि फिल्म पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसा कि KGF पार्ट 1 और 2 में हमें देखने को मिला था। मेकर्स बताते हैं कि उनकी क्रिएटिव टीम ने रॉकी और उसकी माँ के कई किस्सों को काफी खूबसूरती से अपने पन्नों पर पहले से ही उतारा हुआ है, जिसका वो सब फिल्म के हर पार्ट में इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन थोड़े थोड़े हिस्से में, जिससे रॉकी की कहानी और उसकी माँ की सीखें साथ में चलती रहे। तो आपको क्या लगता है फिल्म मेकर्स की स्ट्रैटेजी के बारे में? क्या ये काम आएगी? क्या फिर से एक बार माँ बेटे का जादू चल पाएगा स्क्रीन्स पर? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए दोस्त। वीना का कोई नया एंगल बनेगा KGF 3 का बेस? KGF का पूरा सच आखिर क्या है? ये सारा डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जरूर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। साउथ के सुपरस्टार यश की 2018 में आई एक मूवी जिसने इतना धमाल मचाया कि बहुत ही जल्द मूवी का तीसरा पार्ट आने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं KGF फ्रेंचाइजी के मूवीज के बारे में। वैसे तो पहली बार में ही यानी कि KGF चैप्टर 1 के साथ ही सिनेमा के जगत में एक अलग ही रौब जमा लिया था, लेकिन फैंस के दिलों में भी इतनी खास जगह बनाई कि साउथ के लोग तो यश को इंसान से ऊपर मानने लगे हैं। एक्चुअली हम भारत के लोगों की स्पेशलिटी कहूँ या एक्स्ट्रा सेंटिमेंटल, लेकिन जब हम किसी को मन में जगह देते हैं तो उसे कुछ ऐसे ही प्यार दिखाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम इस मूवी के बारे में ही इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इसका अगला सीक्वल यानी कि KGF चैप्टर 3 आने वाला है।
क्या आपको पता है कि केजीएफ फिल्म में जिस खानदान की कहानी को दिखाया गया है वो असल कहानी है और उसका इतिहास 100 सालों से भी ज्यादा पुराना है। केजीएफ फिल्म की कहानी जितनी खूनी है असल में इसकी हिस्ट्री भी उतनी ही भयंकर है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस केजीएफ की क्या रियल हिस्ट्री है। केजीएफ जिसका फुल फॉर्म है कोलार गोल्ड फील्ड, जो कर्नाटका के एक शहर कोलार से 30 किलोमीटर दूर है, ये एक माइनिंग एरिया है और ऐसा भी माना जाता है कि 20 साल पहले इस माइनिंग एरिया से सोने की खुदाई की जाती। पहले इस एरिया के आसपास लोग नहीं रहा करते थे और ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो हमें टॉलीवुड के थ्रू केजीएफ चैप्टर 1 और 2 में भी नजर आ चुकी है। तो जैसा कि आपको याद होगा कि पिछली मूवी में यश यानी कि रॉकी को मरा हुआ दिखाया जाता है, तो दोस्तों अब फैंस के मन में बड़ी ही क्यूरियोसिटी वाले सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अब नेक्स्ट सीक्वल में क्या दिखाया जा सकता है। और पिछली मूवी में लीड एक्ट्रेस को प्रेग्नेंट दिखाया जाता है और लास्ट में उनकी डेथ हो जाती है, तो अब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि केजीएफ चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के बीच में आखिर एज अ कनेक्टिंग लिंक क्या दिखाया जाएगा। फैंस ने केजीएफ फ्रेंचाइजी को हमेशा ही बहुत प्यार दिया है और इसकी मेन वजह थी उसकी धांसू प्लॉट लाइनिंग। अब इस बार भी जब से हमें ये सुना है कि केजीएफ चैप्टर 3 बनने की बात चल रही है, तो अब फैंस तो श्योर है कि इस बार भी मूवी ब्लॉकबस्टर हिट होकर रहेगी। और जब किसी मूवी में इतने डेडिकेटेड लोग हो तो उसका सक्सेस होना तो बनता ही है। केजीएफ 3 में फैंस को ये भी होप्स हैं कि उन्हें एक बार फिर से रवीना टंडन की एक्टिंग देखने का मौका मिल सकता है। तो बस अब हम सारे फैंस को अपना काम और पेशेंस बनाए रखना है मूवी के रिलीज होने तक और ये देखना है कि इस बार आखिर कैसे यश और उनकी पूरी टीम मिलकर के पब्लिक को अपना दीवाना बना लेती है। एक अच्छी स्टोरी तो बस एक अच्छी स्टोरी होती है एंड इट नोज नो बाउंड्री एट ऑल। और अब चाहे वो साउथ की हो या बॉलीवुड, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। जनता को चाहिए एंटरटेनमेंट और वो हर तरह की मूवी देख करके एंटरटेन होना पसंद करती है, बस उसकी स्टोरी दमदार होनी चाहिए। एक्साइटेड तो यस का हर फैन है कि आखिर अब इस नई सीक्वल यानी कि चैप्टर में क्या नया देखने को मिलेगा और कैसे यश अपने कैरेक्टर के थ्रू सबके दिल में एक बार फिर से अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाते हैं। से VFX होंगे फिल्म में यूज, क्या ऑडियंस की डिमांड होगी पूरी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। पुराने जमाने में कैसे फिल्में बनती थी ये तो आपको पता ही होगा। वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर की स्क्रीन पर हमें हमारे एक्टर्स नजर आते थे, लेकिन जैसे धीरे धीरे सोसाइटी एडवांस होती गई, ठीक बिल्कुल वैसे ही हमारे सिनेमा के पीछे के रंग भी ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल होने लगे। हालांकि माना जाए तो अपने सिनेमा को थोड़ा वक्त लगा VFX को मूवीज में ऐड करने में, लेकिन जो VFX बॉलीवुड की फिल्मों में यूज होना शुरू हुआ तब से लेकर आज तक उसमें काफी बदलाव हुए हैं जो हमें देखने को मिले हैं। हम एक बात तो मान ही गए हैं कि वक्त चाहे जैसा भी हो, लेकिन VFX का सही इस्तेमाल हमारी फिल्मों से ज्यादा कहीं नहीं हुआ है, क्योंकि VFX की स्टार्टिंग से ही बॉलीवुड ने VFX यूज करना शुरू किया और तब से लेके अब तक हमने इसमें काफी सारे अपग्रेडेशन भी देखे हैं। अभी अपकमिंग आने वाली KGF 3 के मेकर्स ने ये डिक्लेयर किया है कि फिल्म में काफी कुछ अलग होने वाला है जिससे इंडियन सिनेमा एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। KGF 2 तक मेकर्स बताते हैं कि फिल्म को उन्होंने एक बेस दिया है, लेकिन KGF 3 से उनका मानना ये है कि फिल्म का लेवल और हाई होगा, जिसको सुनकर अब KGF के फैंस फूले नहीं समा रहे। माना ये भी जा रहा है कि इस बार यश के साथ एक नया स्टार नजर आ सकता है, लेकिन वो अब कौन होगा ये डायरेक्टर्स ने अभी तक रिवील नहीं किया है। उन्होंने ये जरूर बताया है कि पार्ट 3 से ऑडियंसेस का विश्वास उनकी फ्रेंचाइजी पर और बढ़ जाएगा, जिससे वो भी KGF को एक मार्वल की फिल्म की तरह ही बनाना चाहेंगे, जिससे KGF की दुनिया भी बिल्कुल मार्वल की दुनिया की तरह ही वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाए। मेकर्स की टीम को बस अपनी ऑडियंस का सपोर्ट चाहिए जिससे वो अपना मार्वल वर्ल्ड बनाने का सपना पूरा कर सके। तो क्या लगता है आपको, क्या चेंजेस हैं, कोई चांसेस हैं KGF 3 में? क्या मेकर्स अपने इस मार्वल सीरीज के वर्ल्ड वाले सपने को पूरा कर पाएंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है दीक्षा यादव ने। क्या सोवियत यूनियन से होगा KGF 3 का कनेक्शन? क्या होगा जिमी कार्टर का रोल मूवी में? वेल माई लवीज, आज की न्यूज शुरू करने से पहले मैं आपके फायदे की बात लाई हूँ। तो अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहती हैं और काम करना चाहती हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। सो गाइज, मैं अपर्णा सिन्हा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली कट बेट अ बेस्ट, और हमें हमेशा बेस्ट ही रहना चाहिए। और आज एक बार फिर से मेरे हाथ लग चुकी है KGF 3 मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें, तो बस देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप जानते हैं, आजकल KGF चैप्टर 2 काफ़ी चर्चा में है क्योंकि ये चैप्टर एक बहुत ही मज़ेदार मोड़ पर आकर ख़त्म कर दिया गया था, जिसमें ये दिखाया गया कि रॉकी भाई पर मिसाइल अटैक होता है और मूवी एंड कर दी जाती है इस नोट के साथ कि चैप्टर 3 लोडिंग। लेकिन हमें और हमारे दर्शक को अभी ये लगता है कि रॉकी भाई नेक्स्ट पार्ट में जिंदा दिखाए जा सकते हैं, क्योंकि मूवी के आने वाले थर्ड पार्ट ने दर्शकों को ये एक्सपेक्टेशंस दे दी है कि शायद मूवी में रॉकी भाई वापसी कर सकते हैं, क्योंकि मूवी में रॉकी को इतना चालाक, बुद्धिमान और मज़ेदार दिखाया गया है कि लोग इस बात को मान ही नहीं रहे हैं कि अगले पार्ट में रॉकी भाई नहीं होंगे। जिस तरह मूवी के एंडिंग में रॉकी को इंडियन ओशियन में डूबते हुए दिखाया गया है, पर क्या वो असल में डूबे भी हैं या नहीं, ये जानने के लिए जो लोग हमारे चैनल नहीं देख रहे उन्हें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। लेकिन आप मेरे प्यारे दर्शकों, इसकी चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपका बॉलीग्रैड चैनल लाया है ये खबर काफ़ी रिसर्च करने के बाद। हमारी रिसर्च के मुताबिक रॉकी भाई इंडियन ओशियन से बच के वहाँ से निकलने में सफलता पा लेते हैं, और वो भी कैसे दर्शकों, इस प्लॉट को जानकर आपको काफ़ी हैरानी होगी, जो जुड़ा है एक सबमरीन से जिसको भेजा था सोवियत यूनियन देश ने। जी दोस्तों, जहाँ तक आपको याद होगा, चैप्टर 2 के दौरान रॉकी जब PM से मिलने उनके ऑफिस जाता है तो वहाँ उसको जिमी कार्टर नाम का एक फॉरेनर मिलता है, जो रॉकी से पूछता है कि वो कौन है। तो रॉकी उसको बताता है कि वो CEO ऑफ इंडिया है। फिर उस कहानी को वहीं रोक दिया जाता है और माना जा रहा है कि सबमरीन को और किसी ने नहीं बल्कि उसी जिमी ने ही भेजा होगा, जिसको रॉकी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया था। सेकंड पार्ट में जिमी का होना ही हमें ये क्लू देता है कि उसी ने वो सबमरीन भेजकर रॉकी भाई को इंडियन ओशियन से बचा लिया होगा और एक सुरक्षित जगह पहुंचा दिया होगा। और अगर हमारी रिसर्च 100% सही हुई तो इस बार रॉकी भाई अपने किसी भी दुश्मन को जाने नहीं देंगे, चाहे वो रमिका सेन ही क्यों ना हो। तो अब अगले पार्ट में फुल एक्शन पैक धमाका देखने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये होगा कि रॉकी बचता कैसे है और वो अपने दुश्मनों से बदला कैसे लेता है। जैसे कि हम सब रॉकी भाई के अजब गजब तरीकों के पहले भी फैन रह चुके हैं, जो हम सबको स्क्रीन पे आते ही तालियां बजाने पे मजबूर कर देते हैं। ऐसे तरीके जो हम लोग के उत्साह का कारण है KGF 1 और KGF 2 से। तो अब इस बार क्या नया करेंगे KGF के मेकर्स, बस इसी एक्साइटमेंट में मूवी के फैंस इंतजार कर रहे हैं। सो गाइस, अगर आपको आज का इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा हो या किसी भी रीजन से वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को डू लाइक, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। साथ ही साथ ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस मूवी पर देखना चाहते हो। कौन सी मूवी से है KGF कॉपी, कौन सी बात है KGF की सबसे अलग? हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज खबर लेकर आई हूँ ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF 3 के बारे में। साउथ की फिल्मों और बॉलीवुड की फिल्मों में जो कंपैरिजन चलता आ रहा है उससे तो हम अच्छे से वाकिफ है ही, लेकिन अगर कोई ये कह दे कि साउथ की फिल्में बॉलीवुड से बेटर है तो ये बात गलत हो सकती है, क्योंकि जैसे बॉलीवुड को साउथ की फिल्मों का कॉपी कैट बोला जाता है, वैसे ही कुछ साउथ की फिल्में भी बाहर की सिनेमा से ही कॉपी की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, साउथ की निर्णयम फिल्म जो हॉलीवुड की स्टेक आउट फिल्म से कॉपी करी गई थी, ऐसे ही साउथ की कई सारी मूवीज हॉलीवुड से कॉपी मानी जाती हैं, क्योंकि शायद आजकल के ट्रेंड में साउथ की फिल्मों की स्टोरी लाइन को बॉलीवुड से ज्यादा सुपीरियोरिटी दी जाती है। क्यों, आपको ऐसा नहीं लगता? बॉलीवुड फिल्में तो कॉपी की रेस में आजकल सबसे आगे बताई जा रही है, लेकिन अगर बात करी जाए साउथ की फेमस फिल्म KGF सीरीज की, तो दोस्तों वो भी एक हॉलीवुड फिल्म की ही कॉपी बताई जा रही है, जिसका नाम मैड मैक्स 2 है और जिसकी कहानी KGF से लगभग काफी सिमिलर बताई जा रही है।
सुनने में ये भी आ रहा है कि केजीएफ 3 की कहानी इसी हॉलीवुड फिल्म की सीक्वल से मैच होगी, जिससे आने वाली पार्ट 3 की कहानी में सिर्फ उसका प्लॉट ही चेंज होगा और बाकी की जो स्टोरी लाइन है वो सेम ही मानी जा रही है। केजीएफ 3 के प्लॉट को जहां तक हम गेस कर रहे हैं वो ये भी हो सकता है कि रॉकी फिल्म में वापसी करे, जिसके कारण फिल्म में एक नई हीरोइन के भी आने के संकट नजर आ रहे हैं। दोस्तों, फिल्म में एक नई टेक्निक के VFX का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको मेकर्स फिल्म रिलीज के कुछ महीने पहले ही ट्रेलर के द्वारा डिस्क्लोज करेंगे, ताकि फिल्म के प्रति लोगों की जो क्यूरियोसिटी है वो बनी रहे। और ज्यादा नए की बात करी जाए तो फिल्म में एक नए हीरो की भी एंट्री की खबरें हमें सुनने को मिल रही है, क्योंकि फिल्म की जो स्टोरी लाइन है वो काफी वास्ट बताई जा रही है, जिसके कारण डायरेक्टर को एक नए हीरो की जरूरत पड़ सकती है। क्यों आज भी साउथ और बॉलीवुड मूवीज में कंपैरिजन होता आ रहा है? क्यों बॉलीवुड एक्ट्रेस अप्रोच कर रही हैं केजीएफ 3 को? क्या एक बार फिर मौनी रॉय की एंट्री हो सकती है मूवी में? वेल माय लवलीज, आज की न्यूज शुरू करने से पहले मैं आपके फायदे की बात लाई हूँ। तो अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। So guys, मैं अपर्णा सिन्हा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड, बेटर, बेस्ट, और हमें हमेशा बेस्ट ही रहना चाहिए। और आज एक बार फिर से मेरे हाथ लग चुकी है केजीएफ 3 मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें, तो बस देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साउथ के सुपरस्टार यश इन दिनों केजीएफ 3 को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। कुछ दिनों पहले ही मेकर्स ने कंफर्म किया था कि केजीएफ 3 पर काम चल रहा है। इस पार्ट में एक बार फिर यश रॉकी के किरदार में नजर आएंगे। अब हाल ही में आई खबरों के मुताबिक इस मूवी के तीसरे पार्ट के लिए मेकर्स एक नई एक्ट्रेस की तलाश शुरू करेंगे। हालांकि मूवी के लिए कास्टिंग प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि केजीएफ 3 में यश के साथ काम करने के लिए कई बॉलीवुड एक्ट्रेस पहले से ही मूवी के मेकर्स को फिलर्स भेज रही है। RRR और KGF जैसी फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस को देखते हुए अब बॉलीवुड एक्ट्रेसेस एक सफल फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। कुछ ए लिस्ट और बी टाउन एक्ट्रेसेस ने अब KGF के मेकर्स को यश के अपोजिट कास्ट होने में अपना इंटरेस्ट शेयर करते हुए फिलर्स भेजे हैं। बॉलीवुड से रवीना टंडन और संजय दत्त KGF 2 में लीड रोल में और मौनी रॉय KGF 1 में एक स्पेशल नंबर में नजर आई थी। मेकर्स निश्चित रूप से केजीएफ 3 में यश के अपोजिट रोल के लिए एक बड़ी ए लिस्ट बॉलीवुड स्टार को लेने पर विचार कर रही हैं। बहुत चांसेस है कि इस बार हमें मौनी रॉय यश के अपोजिट नजर आ सकती हैं। केजीएफ के पहले पार्ट में मौनी रॉय भले ही बस डांस नंबर में नजर आई थी, लेकिन उनकी केमिस्ट्री रॉकी के साथ खूब जमी थी। और सबसे बड़ी बात, ऑडियंस को ये जोड़ी एक हॉट जोड़ी लगी थी, तो बहुत पॉसिबिलिटीज है कि इस बार मौनी रॉय को मेकर्स केजीएफ के तीसरी फ्रेंचाइज में कास्ट कर सकते हैं। हालांकि मेकर्स की ओर से जल्द ही कलाकारों की अनाउंसमेंट किए जाने की संभावना नहीं है। फिलहाल मूवी की स्क्रिप्ट पर अभी काम चल रहा है। इससे पहले फ्रेंचाइजी के मेकर्स ने कहा था कि तीसरे पार्ट का स्केड्यूल प्रशांत नील और यश की डेट्स पर निर्भर है। यश और प्रशांत दोनों इस समय अलग अलग प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। वहीं मेकर्स के तीसरे पार्ट की अनाउंसमेंट करने के बाद ऐसी अफवाहें आ रही है कि इस पार्ट के लिए मेकर्स ने ऋतिक रोशन को अप्रोच किया है। केजीएफ 2 में श्रीनिधि शेट्टी के किरदार को मृत दिखाया गया था, जिससे एक और एक्ट्रेस के तीसरे पार्ट में शामिल होने की संभावना बढ़ गई है। पिछले कुछ सालों में हमने कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को साउथ सिनेमा में हाथ आजमाते देखा है। दीपिका पादुकोण अपनी पहली पैन इंडिया मूवी में प्रभास के साथ दिखाई देंगी। दूसरी ओर कृति सैनन भी आदि पुरुष में प्रभास के साथ नजर आएंगी। बता दें कि प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी केजीएफ 2 ने बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। सिर्फ हिंदी बेल्ट से ही मूवी ने 430 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिकॉर्ड बिजनेस किया था। वहीं मूवी ने वर्ल्ड वाइड करीब 1250 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस मूवी को 14 अप्रैल 2022 को हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। कुछ दिनों पहले दिए गए एक इंटरव्यू में रॉकी भाई यानी यश ने बताया था कि मूवी के तीसरे पार्ट में और भी ज्यादा धमाकेदार सीन्स होंगे। यश ने कहा था कि अभी रॉकी की जिंदगी और इसकी कहानी बहुत कुछ है जो तीसरे पार्ट में दिखाया जाएगा। उन्होंने कहा था, मैंने और प्रशांत ने केजीएफ 3 के लिए काफी सारे सीन्स सोचे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हम चैप्टर 2 में नहीं कर सकते थे।
क्यों बॉलीवुड एक्ट्रेस अप्रोच कर रही हैं केजीएफ 3 को? क्या एक बार फिर मौनी रॉय की एंट्री हो सकती है मूवी में? वेल माय लवलीज, आज की न्यूज शुरू करने से पहले मैं आपके फायदे की बात लाई हूँ। तो अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। सो गाइस, मैं अपर्णा सिन्हा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड गुड बेट अ बेस्ट, और हमें हमेशा बेस्ट ही रहना चाहिए। और आज एक बार फिर से मेरे हाथ लग चुकी है केजीएफ 3 मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें, तो बस देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साउथ के सुपरस्टार यश इन दिनों केजीएफ 3 को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। कुछ दिनों पहले ही मेकर्स ने कंफर्म किया था कि केजीएफ 3 पर काम चल रहा है। इस पार्ट में एक बार फिर यश रॉकी के किरदार में नजर आएंगे। अब हाल ही में आई खबरों के मुताबिक इस मूवी के तीसरे पार्ट के लिए मेकर्स एक नई एक्ट्रेस की तलाश शुरू करेंगे। हालांकि मूवी के लिए कास्टिंग प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि केजीएफ 3 में यश के साथ काम करने के लिए कई बॉलीवुड एक्ट्रेस पहले से ही मूवी के मेकर्स को फिलर्स भेज रही हैं। आरआरआर और केजीएफ जैसी फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस को देखते हुए अब बॉलीवुड एक्ट्रेसेस एक सफल फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। कुछ ए लिस्ट और बी टाउन एक्ट्रेसेस ने अब केजीएफ के मेकर्स को यश के अपोजिट कास्ट होने में अपना इंटरेस्ट शेयर करते हुए फिलर्स भेजे हैं। बॉलीवुड से रवीना टंडन और संजय दत्त केजीएफ 2 में लीड रोल में और मौनी रॉय केजीएफ 1 में एक स्पेशल नंबर में नजर आई थी। मेकर्स निश्चित रूप से केजीएफ 3 में यश के अपोजिट रोल के लिए एक बड़ी ए लिस्ट बॉलीवुड स्टार को लेने पर विचार कर रहे हैं। बहुत चांसेस है कि इस बार हमें मौनी रॉय यश के अपोजिट नजर आ सकती है। केजीएफ के पहले पार्ट में मौनी रॉय भले ही बस डांस नंबर में नजर आई थी, लेकिन उनकी केमिस्ट्री रॉकी के साथ खूब जमी थी। और सबसे बड़ी बात, ऑडियंस को ये जोड़ी एक हॉट जोड़ी लगी थी। तो बहुत पॉसिबिलिटीज है कि इस बार मौनी रॉय को मेकर्स केजीएफ के तीसरी फ्रेंचाइज में कास्ट कर सकते हैं। हालांकि मेकर्स की ओर से जल्द ही कलाकारों की अनाउंसमेंट किए जाने की संभावना नहीं है। फिलहाल मूवी की स्क्रिप्ट पर अभी काम चल रहा है। इससे पहले फ्रेंचाइजी के मेकर्स ने कहा था कि तीसरे पार्ट का स्केड्यूल प्रशांत नील और यश की डेट्स पर निर्भर है। यश और प्रशांत दोनों इस समय अलग अलग प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। वहीं मेकर्स के तीसरे पार्ट की अनाउंसमेंट करने के बाद ऐसी अफवाहें आ रही हैं कि इस पार्ट के लिए मेकर्स ने ऋतिक रोशन को अप्रोच किया है। केजीएफ 2 में श्रीनिधि शेट्टी के किरदार को मृत दिखाया गया था, जिससे एक और एक्ट्रेस के तीसरे पार्ट में शामिल होने की संभावना बढ़ गई है। पिछले कुछ सालों में हमने कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को साउथ सिनेमा में हाथ आजमाते देखा है। दीपिका पादुकोण अपनी पहली पैन इंडिया मूवी में प्रभास के साथ दिखाई देंगी। दूसरी ओर कृति सैनन भी आदिपुरुष में प्रभास के साथ नजर आएंगी। बता दें कि प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी केजीएफ 2 ने बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। सिर्फ हिंदी बेल्ट से ही मूवी ने 430 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिकॉर्ड बिजनेस किया था। वहीं मूवी ने वर्ल्ड वाइड करीब 1250 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस मूवी को 14 अप्रैल 2022 को हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। कुछ दिनों पहले दिए गए एक इंटरव्यू में रॉकी भाई यानी यश ने बताया था कि मूवी के तीसरे पार्ट में और भी ज्यादा धमाकेदार सीन्स होंगे। यश ने कहा था कि अभी रॉकी की जिंदगी और इसकी कहानी बहुत कुछ है जो तीसरे पार्ट में दिखाया जाएगा। उन्होंने कहा था, मैंने और प्रशांत ने केजीएफ 3 के लिए काफी सारे सीन्स सोचे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हम चैप्टर 2 में नहीं कर सकते थे, इसलिए हम चाहते हैं कि बहुत सारी संभावनाएं हैं और ढेर सारे कमाल के सीन्स हैं जिन्हें हम चैप्टर 3 में लेकर आने वाले हैं। शर्ट से पहले कौन था केजीएफ का रूलर, क्या है सिलिकोसिस और कैसे है ये रिलेटेड केजीएफ से, और कैसे केजीएफ का प्लॉट महाभारत से मिलता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं पुण्य महाराज। मैं इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आप सबको दूंगी। केजीएफ की जब भी बात होती है तो प्रशांत नील की बनाई हुई फिल्म हमें याद आती है। तमिल लोग होंगे हमारे देश में जिन्हें पता होगा कि केजीएफ जिस पर प्रशांत ने फिल्म बनाई है वो किससे रिलेटेड है। इसलिए आज हम इस जगह से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। वैसे तो ये बात हम सभी जानते हैं कि कर्नाटक के कोलर में केजीएफ से रिलेटेड कितनी हिस्ट्री छुपी है। केजीएफ हमारे देश और उसकी हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ बताती है। एक वक्त था जब ये माइन हमारे देश को गोल्ड प्रोवाइड किया करती थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने यहाँ से सारा सोना लूट लिया और देश छोड़कर चले गए।
इंडियन गवर्नमेंट ने केजीएफ को 2001 में ही बंद करवा दिया था, लेकिन अभी भी कुछ लोग क्लेम करते हैं कि यहाँ पर अभी भी कोल मौजूद है। ये दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे डीपेस्ट माइन है। पहली डीपेस्ट माइन साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में है। केजीएफ ने ब्रिटिशर्स से पहले हमारे देश के बहुत सारे राजाओं का शासन देखा है। जी हाँ, गंगास से लेके छोला सर सभी ने केजीएफ पर राज किया है। तो आइए जानते हैं आखिर किन राजाओं की शोभा बढ़ा गई थी ये माइन। रूलर्स की बात की जाए तो हमारे देश में बहुत से राजा थे जिन्होंने इस माइन पर राज किया है। नवाब से लेकर मराठा तक सभी ने हमारे हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। वहीं केजीएफ पर राज करने वालों में से होसलास, छोलास और गंगास तो शामिल थे ही, साथ ही निजाम ऑफ हैदराबाद से लेकर हैदर अली तक ने एक वक्त में केजीएफ पर राज किया है। वहीं जब ब्रिटिशर्स आए तो ना ही सिर्फ केजीएफ बल्कि मैसूर स्टेट को भी अपने कब्जे में कर लिया। एक वक्त ऐसा भी था जब जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिए गए एक लोन की सिक्योरिटी के लिए इस गोल्ड माइन को वर्ल्ड बैंक में गिरवी रखना पड़ा था। खैर, ये तो सच है कि जिस केजीएफ से ज्यादातर लोग अनजान थे वो प्रशांत की वजह से अब इस बारे में जानते हैं। इस माइन की अपनी खासियत है, वैसे तो एक माइन होने की वजह से इसने कई बीमारियों को भी वेलकम किया था और उस बीमारी में से एक बीमारी थी सिलिकोसिस। शायद आप में से बहुतों को यह पता नहीं होगा कि सिलिकोसिस एक लंग डिजीज है जो माइनिंग के दौरान निकलने वाले पार्टिकुलेट मैटर यानी पोल्यूटेड सब्सटेंस को इनहेल करने से होती है। ये डिजीज सबसे पहले केजीएफ में पाया गया था। उस वक्त माइनिंग के दौरान केमिकल्स के हवा में रिलीज होने से कई लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि आज भी उसका असर है, भले ही इस माइन को बंद हुए के साल हो चुके हैं। वहीं कुछ लोगों को ये बात नहीं पता थी कि केजीएफ का प्लॉट महाभारत से मिलता है और जिन लोगों ने इस बारे में सुना भी था उनको भी कोई अंदाजा नहीं था। यही कारण है कि आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। केजीएफ फ्रेंचाइज की पहली फिल्म का प्लॉट महाभारत से इंस्पायर्ड था, जिसमें रॉकी अपने कैरेक्टर की इंस्पिरेशन करना भगवान राम और राजा बलि से लेता है। ये लोग मसीहा थे, साथ ही सभी गरीबों के लिए दानवीर थे और लोगों के प्रोटेक्टर भी थे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख रॉकी का कैरेक्टर क्रिएट किया गया था। हालांकि रॉकी कहीं से भी भगवान राम की तरह मॉरल्स पे चलने वालों में से तो नहीं लगता। वो बदले में विश्वास करता है। उसकी ये आदत पूरी दुनिया को ब्लाइंड ही क्यों ना कर दे, पर रॉकी फिर भी वही करेगा जो उसे ठीक लगेगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। से थे वो क्राइम्स जिन्होंने रॉकी को बनाया मोस्ट वांटेड, रामिका को कैसे मिला रॉकी के जिंदा होने का सबूत। हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज खबर लेकर आई हूँ फिल्म केजीएफ के बारे में। केजीएफ 2 के क्लाइमैक्स में हम देखते हैं कि रॉकी ने 3 कंट्रीज की नेवी को इंडियन ओशन में बुलाया। अब रॉकी जैसा इंसान कुछ भी बिना सोचे तो नहीं करेगा, तो उसने ऐसा क्यों किया? ये बात हमें सोचने पर बहुत ज्यादा मजबूर कर देती है। तो आपको बता दे कि रॉकी ने इंडियन नेवी को फैक्स किया था कि वो चाहता था कि इंडियन नेवी उसको डूबता देखे और इंडिया में सबको ये लगे कि वो मर गया है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रामिका ने मान लिया कि रॉकी मर गया है और उसकी फाइल हमेशा के लिए बंद हो गई। दूसरी तरफ इंडोनेशियन नेवी को रॉकी ने फैक्स किया था कि उसने जो भी सोना इंडोनेशिया से चुराया है वो सब लेके वो इंडियन ओशन में है और वो उस सोने को वापस करना चाहता है। और रॉकी के समंदर में कूदने के बाद इंडोनेशियन नेवी अपना सारा गोल्ड लेकर वापस चली जाती है, जिससे रॉकी पर लगा चोरी का केस हट जाता है। और आखिरी में रॉकी यूएस नेवी को फैक्स करता है कि वो सरेंडर करना चाहता है। और जब तक यूएस नेवी वहां पहुंचती है तब तक रॉकी डूब चुका होता है, इसीलिए यूएसए में भी उस पे लगे सारे केसेस हट जाते हैं। तो ये सबको फैक्स करना रॉकी का मास्टर प्लान था, ना कि कोई जज्बात में बहकर लिया हुआ फैसला। रॉकी के 16 कंट्रीज में क्राइम्स की फाइल रामिका के पास आती है। तो ये जानना दिलचस्प है कि आखिर रॉकी ने ऐसे कौन कौन से क्राइम्स किए थे। तो आपको बता दे दोस्तों कि रॉकी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलके इंडोनेशिया के सेंट्रल बैंक से गोल्ड की चोरी की थी और फरमान की मदद से उस गोल्ड को अलग अलग कंट्रीज के बैंक में छुपा दिया था। रॉकी सिर्फ गोल्ड ही नहीं, एनर्जीज का बिजनेस भी सेटअप करना चाहता था, क्योंकि उसमें भी बेशुमार पैसा था।
इसीलिए उसने यूएस में बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतारा और वहां से इलीगल तरह से एनर्जीज को ट्रेड किया। इसीलिए CIA रॉकी के पीछे पड़ी हुई थी और इस सब में उसकी मदद की थी फरमान ने, और वो नहीं चाहता था कि फरमान को इन केसेस से दूर रखना, इसीलिए उसने फरमान को छुपा के रखा। मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि रामिका सेन के पास एक कॉल आता है जिसके बाद वो एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है। अब इस बात की क्यूरियोसिटी तो सबको होगी, तो ऐसा क्या हुआ कि रामिका को एकदम एक्शन लेना पड़ा? ऐसा क्या हुआ कि रामिका को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा? तो हुआ कुछ यूं कि रामिका ने KGF को सील करने के लिए एक टीम भेजी थी, जहां से उसको एक ऑफिसर का फोन आता है कि रॉकी की माँ की अस्थियां जमीन के अंदर दफन थी और अब वो वहां नहीं है। इसका यही मतलब है कि रॉकी अभी मरा नहीं है, क्योंकि उसके अलावा किसी को नहीं पता था उन अस्थियों के बारे में। इसी वजह से रामिका एकदम एक्शन में आ जाती है, और अब हम ये देखना चाहेंगे कि आगे KGF 3 में क्या होता है। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि रॉकी का प्लान कितना सफल होगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। तो इसका है रॉकी को डर, कौन है असली दुश्मन रॉकी का, क्या है मेकर्स की राय फिल्म विलन्स के ऊपर? तो मेरे प्यारे दर्शक, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस फिल्म से जुड़ी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, जिनको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सब कहते हैं कि अपने कर्मों का फल सबको मिल जाता है, फिर चाहे बात करी जाए अपनी रियल लाइफ की या किसी भी फिल्म के बड़े से बड़े विलन की। तो दर्शक, आपको क्या लगता है कि फिल्म KGF 3 के रॉकी को भी उसके कर्म का फल मिल चुका है, और क्या जो भी KGF 2 के अंत में हुआ वो सही है? क्योंकि दर्शकों, जहां तक हम सब रॉकी को जानते, उसने KGF के लोगों के लिए बहुत कुछ करा है, जिस कारण ही वो सब रॉकी को अपना भगवान मान लेते हैं। लेकिन जो भी KGF 2 के आखिर में हुआ, वो तो हम सबको यही अंदेशा देता है कि रॉकी मिसाइल अटैक में मारा जाता है। तो क्या ये मूवी का अंत KGF में रहने वाले लोगों की उम्मीदों का भी अंत होगा? ये जानने के लिए आप सबको 2024 तक का इंतजार करना होगा। दर्शकों, हमें ये तो पता है कि मूवी में रॉकी भाई के काफी सारे दुश्मन होते हैं, लेकिन उनमें से वो कौन होता है जिससे रॉकी को सबसे ज्यादा डर लगता है? तो ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ऐसी कई सारी फिल्मों से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स का लुफ्त उठाए। तो दर्शकों, ये विलन और कोई नहीं बल्कि अधीरा है, जिसने रॉकी की बीवी को उसके सामने मार दिया था। फिल्म में अधीरा का रोल करने वाले संजय दत्त भी ये कहते हैं कि उन्होंने अधीरा से खतरनाक विलन आज तक किसी भी फिल्म में पहले नहीं देखा, और ना ही उन्होंने कभी ऐसा कोई चैलेंजिंग रोल किया है जिसके लिए उनको इतनी मेहनत करनी पड़ सकती है। वो ये भी बताते हैं कि फिल्म में जितने भी विलन्स दिखाए गए हैं, उनमें से सबसे ज्यादा नुकसान अधीरा ने ही पहुंचाया था। रॉकी को तो पहले वही रॉकी का सबसे बड़ा दुश्मन माना जा रहा था, पर रामिका सेन ने फिल्म में एंट्री लेके पूरा तख्ता पलट ही कर दिया, जिससे विलन्स की रेस में अब वो सबसे आगे और सबसे खतरनाक है। फिल्म मेकर्स का ये मानना है कि रामिका का कैरेक्टर बहुत ही टैक्टफुली अपने सारे काम करता है, क्योंकि देश की सारी पावर्स उसके हाथ में होती है, जिसको वो जब चाहे यूज या मिसयूज कर सकती है। मेकर्स ये भी बताते हैं कि अधीरा का कैरेक्टर एक बहुत ही ताकतवर बनाया गया है, जिसके अंदर डर का नामो निशान नहीं होता है। वो बताते हैं कि ये सारे विलन्स जो फिक्शनल लिखे जाते हैं, एक्चुअल में वो सब हीरो को मद्देनजर रख के बनते हैं, जिससे हीरो का रोल स्क्रीन पर और चैलेंजिंग बन जाता है। तो दोस्तों, ये बताइए कि कैसा लगा आपको डायरेक्टर की इस विलन हीरो थ्योरी के बारे में? क्या प्रभास और यश दिखेंगे एक साथ? आखिर कितने करोड़ का कलेक्शन करेगी KGF 3? किस क्रिटिक की भविष्यवाणी को किया लोगों ने ट्रोल? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति दुबे और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करिए।
और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। अब हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। शायद ही कोई ऐसा होगा जो सुपरस्टार यश और प्रभास को नहीं जानता होगा। ये दोनों ही साउथ के दो बहुत बड़े नाम हैं। अगर हम ये कहें कि इन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री को एक नई पहचान दी है तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जहां एक तरफ प्रभास ने अपनी बाहुबली सीरीज से दर्शकों का दिल जीता, तो वहीं दूसरी ओर यश ने भी सारी जनता को केजीएफ का दीवाना बना दिया। अब आप खुद ही इमेजिन करिए, अगर ये दोनों सुपरस्टार एक साथ एक पर्दे पर देखने को मिले तो वो मंजर कैसा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी ये इमेजिनेशन सच होने वाली है। बहुत जल्द आप प्रभास और यश को एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए देखेंगे। दरअसल अगर आपको केजीएफ 2 का एक कैरेक्टर फरमान याद हो, जिसने फिल्म के सबसे बड़े खलनायक अधीरा से पंगा लिया था, जिसके बाद वो बेचारा मारा जाता है, लेकिन फिल्म में उसकी मौत क्लियरली नहीं दिखाई जाती है। और अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि यही फरमान बड़ा होकर के प्रभास बनता है। दरअसल प्रभास की अपकमिंग मूवी सलार है, तो हो सकता है अब डायरेक्टर प्रशांत नील अपनी इस फिल्म को मल्टी यूनिवर्स बनाने के चक्कर में सलार और केजीएफ को एक साथ जोड़ दे। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो बस वक्त ही बता सकता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला देगी। अब ये तो आप जानते ही हैं कि जैसे ही कोई नई मूवी आने वाली होती है, कुछ फिल्म क्रिटिक्स अपने प्रेडिक्शंस करने शुरू कर देते हैं, और अगर उनकी प्रेडिक्शन इलॉजिकल होती है तो जनता उन्हें ट्रॉल करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। ऐसा ही एक बार फिर हुआ है। जी हाँ, और इस बार ये फिल्म क्रिटिक है KRK, यानी कमाल रशीद खान उर्फ KRK। अपने व्यूज की वजह से ज्यादातर ट्रोल होते हैं ये, और इस बार उन्होंने KGF 3 के कलेक्शन को लेकर ऐसा कुछ कहा कि लोगों ने उनकी काफी टांग खिंचाई थी। दरअसल KRK ने ट्वीट कर कहा कि KGF 3500 करोड़ तक कमाई करेगी, जिसके बाद से ही लोग उनको ट्रोल करने लगे। और एक यूजर ने तो ये भी कहा कि सर ब्रह्मास्त्र कितना करेगी, और वहीं दूसरे ने KRK की डायरेक्शन में बनी सुपर फ्लॉप फिल्म देशद्रोही को लेकर कहा कि सर देशद्रोही कब आएगी, और अगर आएगी तो $5 trillion तक का कलेक्शन तो कर ही लेगी। फिलहाल अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप KGF 3 को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। कहां छुपा है रॉकी, समुद्र से कहां गायब हो गया रॉकी, कौन सा ऑफिसर करेगा रॉकी की मदद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में बता दें। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। चलिए अब आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। KGF 2 की एंडिंग में हमने देखा था कि रॉकी सारे गोल्ड को लेकर समुद्र में डूब गया था और 16 देशों की पुलिस उसके पीछे थी। सबको लगा था रॉकी का दी एंड हो गया। KGF 3 की कहानी यही से शुरू होगी, क्योंकि रॉकी ने एक नई जगह पर पहुंचने के लिए समुद्र के रास्ते को चुना, जिसके कारण उसने यूरोप, अमेरिका और इंडोनेशिया के गवर्नमेंट को पहले ही फैक्स कर दिया था। डूबने के बाद रॉकी गहराई में बहता हुआ समुद्र में काफी नीचे तक आ गया। फिर वहां से उसने किसी चीज जैसे सीढ़ियां उतरते हुए सहारा लेते हुए चलना शुरू कर दिया, और एक काफ़ी अंधेरी वाली जगह से होते हुए एक ऐसी जगह निकला जहां कुछ वर्दी में ऑफिसर और बहुत सारी बड़ी बड़ी कारें खड़ी हैं। रॉकी ने ऑफिसर से हाथ मिलाते हुए कहा, थैंक्स फॉर कमिंग। ऑफिसर के साथ जाते हुए रॉकी ने एक फ़ोन मिलाया, उधर लैंडलाइन फ़ोन पर घंटी बज रही है। तब तक आदमी फ़ोन की तरफ आता है और फ़ोन को स्पीकर पर करके पूछता है, पहुँच गए रॉकी भाई। तब तक मुस्कुराते हुए रॉकी कहता है, हाँ सेक्रेटरी साहब। अब आप थोड़ा पास्ट में जाइए, जहां रामिका के पीछे खड़ा सेक्रेटरी कहता है कि इनकी माइंड से हमारे अकाउंट में भी फंड आता है। वहीं सेक्रेटरी रामिका के डर से दीवार पर ऊंची लगी घड़ी में भी सेल चेंज कर देता है। कहानी आगे बढ़ती है। रॉकी ने फोन पर पूछा, सब ठीक है,
सेक्रेटरी ने कहा कंट्रोल में है, दोनों फ़ोन पर ही हैं और आसपास में बातें हो रही थी कि मैंने सबको एक सुरक्षित जगह पहुंचा दिया है। रॉकी फ़ोन काट देता है और गाड़ी की तरफ जाता है। इधर केजीएफ के सभी लोग एक बड़ी सी 20 से 30 मंजिला मिल में घुसते हैं और ऊपर की ओर देखते हैं, जिसके दरवाजे के ऊपर लगे बड़े से बोर्ड पर लिखा है आशियाना। सभी लोग मिल में घुसते हैं और देखते हैं कि चारों तरफ सोना ही सोना है। वहीं दो मजदूर औरतें आपस में बात करती हैं कि हम जानते हैं कि हमारा मसीहा भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इधर ऑफिसर ने काफ़ी रिस्पेक्टिवली रॉकी को गाड़ी में बिठाया और रॉकी बड़ी शानदार गाड़ी में बैठकर आगे की तरफ निकल गया। फिर रॉकी एक बड़े से विला में पहुंचता है, जहां अंदर जाने पर वह एक कमरे में जाता है जिसके चारों तरफ ब्लैक कमांडो खड़े होते हैं। रॉकी कमरे में बालों को ताव देता हुआ घुसता है और चारों तरफ नज़रें घुमाता है और एक दीवार के पास जाकर छूकर खुद से बोलता, अलग ही महक है। फिर वही पास खड़ी अलमीरा की तरफ बढ़ता है और माँ की तस्वीर निकाल कर उसे दीवार पर टांग देता है और बाहें फैला कर कहता है, सब तेरा है माँ। और फिर पीछे मुड़कर वॉयलेंट अंदाज में कहता है, पिक्चर अभी बाकी है। उधर मिल रहे सोने को कासिम चाचा ने फिर से मुंबई के रास्ते भेजना शुरू कर दिया। बड़े बड़े सोने के लदे जहाज अलग अलग कंट्रीज में पानी के रास्ते भेजे जाने लगे। ऐसे होते 6 महीने बीत गए और वो 20-30 मंजिला इमारत ऐसी 2-3 इमारतों में तब्दील हो गए। मजदूरों को उनके अपने घर रहने को मिल गए, उनके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में जाने लगे, लेकिन किसी ने भी मजदूरी करना नहीं छोड़ा। स्टाफ को बढ़ा दिया गया, लेकिन एक रोज अमेरिका की पुलिस को खबर मिली कि भारत से सोना अमेरिका और अमेरिका से सोना दुबई इलीगल तरीके से जा रहा है, जिसकी खबर अमेरिका की पुलिस ने रामिका को दी। और ये सुनते ही रामिका के दिमाग में पहला ख्याल रॉकी का आया, लेकिन उसने मन में सोचा वो तो पिछले 6-7 महीने पहले ही मर गया था। रामिका ने अमेरिका पुलिस को 2 दिन के लिए हाई अलर्ट करने को बोल दिया। साथ ही गोल्ड स्मगलिंग की खबरें टीवी पर चलने लगी और साथ ही बड़ी बड़ी मैगजीन और न्यूज़पेपर में भी छपनी शुरू हो गई। मैगजीन वालों ने गोल्ड मैन, मोस्ट वांटेड, एक और मॉन्स्टर के नाम से आर्टिकल छापने शुरू कर दिए। यह सभी आर्टिकल रॉकी को पढ़ने को मिल जाते, वो सब पढ़कर काफ़ी खुश होता। एक आर्टिकल को बार बार पढ़ता। उधर अमेरिका में हुई हाई अलर्ट ने कासिम चाचा की मुसीबतें बढ़ा दी थी, क्योंकि सोने का इधर उधर जाना रुक गया था, लेकिन अमेरिका या किसी भी देश की पुलिस को रॉकी अभी तक नहीं मिला था। तो आपको क्या लगता है, कहाँ छुपा था रॉकी? क्यों कोई भी देश नहीं ढूंढ पा रहा था रॉकी को? क्या केजीएफ 3 में मिल पाएगा या होगा केजीएफ चैप्टर 4 का आगाज? रवीना करेगी वापसी। रवीना टंडन चाहेंगी केजीएफ 3 का हिस्सा बनना। फैंस ने बरसाया था रवीना पर प्यार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोस। कुछ एक्टर्स होते हैं जिनका एक जमाना होता है, जो सिर्फ एक ही समय में काफी ज्यादा हिट रहे, लेकिन उसके बाद उनकी वो रौनक खत्म हो गई और उनके फिल्में भी उतनी अच्छी परफॉर्म करना बंद कर गई। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं जिन्होंने सदियों से ऐसी फिल्में दी है जो कि सबकी पसंदीदा रही है, और वो हर दशक में, हर फिल्म में, हर किरदार में सबके फेवरेट बने हैं। ऐसे ही एक अदाकारा जिन्होंने जीता है हम सबका दिल, वो है रवीना टंडन। जी हाँ, 90s में बॉलीवुड पर राज करने वाली रवीना टंडन का जलवा समय के साथ खत्म ही नहीं हो रहा। एक टाइम ऐसा था जब उन्होंने अपनी फिल्मों में अपने जलवे से और अपने ग्लैमर से हमें ऐसे फिल्में दी थी जिसके सब दीवाने थे। वहीं आज के समय में उनके बदलते दशक और बदलती हुई फिल्म इंडस्ट्री के साथ भी उन्होंने हमें ऐसी बहुत सारी फिल्में दी है जो फैंस की काफी पसंदीदा रही है। उनके बहुत किरदार ऐसे रहे हैं जो फैंस जिंदगी भर याद रखते हैं, और उनमें से ही एक किरदार है उनका केजीएफ 2 में रमिका सेन का। आपको बता दें कि रमिका सेन के किरदार में रवीना टंडन ने ऐसी पावरफुल परफॉर्मेंस दी थी जिसे फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया था। केजीएफ 2 एक सुपरहिट फिल्म रही है जिसने अपनी कमाई से इतनी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़े हैं कि आज तक उसका कोई टक्कर नहीं दे पाया। और आपको बता दें कि केजीएफ फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म भी अब जल्द ही आने वाली है।
प्रशांत नील जिन्होंने पहले केजीएफ को सिर्फ दो हिस्सों में बनाना था, अपने हाल ही के इंटरव्यू में ऐसे हिंट्स दिए हैं कि यह फिल्म अपने तीसरे पार्ट के साथ वापसी करेगी और इस बार फिर से रवीना टंडन भी वापसी करेंगी। आपको बता दें कि रमिका सेन का किरदार इतना ज्यादा हिट इसलिए भी रहा क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल औरत का किरदार था और रवीना टंडन ने इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे किरदार निभाए हैं, तो ये तो मानिए उनकी एक्सपर्टाइज बन चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या केजीएफ के तीसरे हिस्से में भी रमिका सेन के इस किरदार के साथ रवीना टंडन करेगी फैंस को इम्प्रेस। क्या होगी वो कहानी जिसमें फिर से हमें मिलेंगे रॉकी भाई और रमिका सेन के बीच में देखने को एक जंग। ये सब के लिए हमें करना पड़ेगा थोड़ा इंतजार, लेकिन एक बात तो तय है कि प्रशांत नील अपने इस खतरनाक अंदाज और रवीना टंडन के साथ जब भी कोलैबोरेट करते हैं तो एक बेहतरीन परफॉर्मेंसेस हमें बड़े पर्दे पर देखने को मिलती है और इसी परफॉर्मेंस को देखने के लिए फैंस को भी है केजीएफ 3 का इंतजार। आपको बता दें कि केजीएफ 2 फिल्म को बड़ी लेवल पर बनाया जा रहा है। इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा था। अब यह फिल्म जब भी थिएटर्स में आएगी क्या धमाका होगा यह तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अब हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड है और आप बताइए हमें नीचे कमेंट सेक्शन में। अब इसी के साथ मैं मंगीशा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने मन पसंदीदा एक्टर्स और फिल्मों के बारे में लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टू की कौन सी चीजों को फिर से दोहराया जाएगा केजीएफ 3 में? आप सभी का दिल से स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में, मैं हूँ प्रतीक्षा आपके साथ। दोस्तों 1951 से शुरू हुई ये कहानी केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स की ये कहानी रॉकी की है, जिसकी माँ ने मरने से पहले उससे वादा लिया था कि वो जिए जैसे भी लेकिन मरेगा दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनकर। कहानी को दो भागों में बांटा गया है और इसका पहला पार्ट ये है कि केजीएफ चैप्टर 1 फिल्म के जरिए दिखाया गया और चैप्टर 2 भी रिलीज हो चुकी है जो हम सब देख चुके हैं और उसे काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है। इतना पसंद कि उसके तीसरे भाग के आने का तो इंतजार ही नहीं हो रहा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रशांत नील का डायरेक्शन लाउड और यूनिक हुए बगैर ही अच्छा है। स्क्रिप्ट भी उनकी है, स्क्रिप्ट में सारे फिल्मी मसाले डाले हुए हैं। रॉकी के रूप में यश तो कमाल लग रहे हैं। बाकी एक्टर्स के लिए ज़्यादा काम तो नहीं है, लेकिन जैसा हमने पिछली वीडियोस में बताया है कि इस बार फिल्म एक नहीं बल्कि 5-5 कदम आगे चलने वाली है। मतलब कि इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछली बार अगर हमने बर्गर खाया था तो इस बार हमें चीज़ बर्स्ट पिज्ज़ा मिलने वाला है। खैर अगर इस फिल्म के म्यूज़िक के बारे में बात करें तो साउथ सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म केजीएफ चैप्टर 3 को लेकर एक बड़ी खबर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वो ये है दोस्तों कि फिल्म के मेकर्स ने खुलासा किया है कि केजीएफ चैप्टर 3 के ऑडियो राइट्स एक बड़ी रकम में लाहिरी म्यूज़िक और टी सीरीज़ को सौंप दिए गए हैं। इस फिल्म के ऑडियो राइट्स प्रोड्यूसर्स ने 72 करोड़ रुपये में बेच दिए हैं। ऐसे ही नॉन लीनियर यानी कभी फ्लैशबैक और कभी इस वक्त की बात करने वाली फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल होता है और ये फिल्म के टूटे हुए हिस्सों को आपस में जोड़ता है। जैसे इस फिल्म में माँ बेटे के रिश्ते वाले सीन्स में आप सिर्फ बैकग्राउंड थीम भर से ही इमोशनल हो जाता है, ऐसा कुछ ज़रूर देखने को मिलेगा क्योंकि ये उसी मूवी के आगे का पार्ट है। हाँ पर इसके साथ बहुत कुछ नया देखने की भी उम्मीद कर सकते हैं हम। वैसे ही कुछ हमें शूटिंग का सेट भी देखने को मिलेगा, जैसे कि 50 से 80 के दशक में सेट देखने को मिले थे। यूं नहीं कहते ओल्ड इज गोल्ड और यहाँ तो सच में गोल्ड है। आपको बता दें कि इस फिल्म के डायलॉग्स भी काफ़ी स्ट्रांग होने वाले हैं, जी हाँ, जो हमें पहले की मूवीज़ में देखने को मिले थे, पर अब उनके साथ इसमें कुछ और डायलॉग ऐड हो गए हैं, जैसे कि नंबर 1 लो मैं फिर आ गया, क्या फिर नंबर 2 और भाई कहता था मुझे राजनीति नहीं आती। ये दो सबसे ज़्यादा और काफ़ी अहम रोल निभाने वाले लोगों के डायलॉग होने वाले हैं। दोस्तों अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जैसे पहले फिल्म देखते हुए आपको हमेशा ही 80 के दशक के अमिताभ और अमिताभ की मूवीज़ याद आई, वैसे ही इस बार भी कई बार ऐसे सीन्स देखने को मिलेंगे आपको जो बेशक जानबूझकर कॉपी नहीं किए गए हो लेकिन 80 के दशक की याद ज़रूर दिलाएंगे, चाहे वो मूवी सेट हो या हमारी रियल हिस्ट्री की किताब। जैसे कि मूवी में इंदिरा गांधी का होना इतिहास के पलटने जैसा नजर आने वाला है। इसके साथ ही अग्निपथ वाला अमिताभ
जब बैकग्राउंड में कविता और फोरग्राउंड में गुंडों की कुटाई चल रही होती है, वैसा ही कुछ केजीएफ 3 में देखने को मिल सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये फिल्म इंटरनेशनल लोकेशंस पर शूट होने वाली है। मतलब ये है कि इस बार रॉकी की माइनिंग करने के तरीकों में बदलाव आने वाला है। अब वो खुद किसी से माइनिंग नहीं कराएगा, बल्कि दूसरे माइंस का हिस्सेदार बनेगा। फिल्म तब पूरी तरह कमर्शियल और फिल्में लगती है जब तक रॉकी 100 गुंडों की भीड़ को दौड़ा दौड़ा कर अकेले मारता है, और केजीएफ 3 में सिर्फ रॉकी नहीं, सब एक दूसरे को मारेंगे। दोस्तों, केजीएफ 3 में माँ वाला इमोशन भी होगा, रोमांस भी होगा, तानाशाही, गुंडागर्दी, राजनीति, साजिश भी होगी। कुल मिलाकर ये फिल्म एक बहुत ही कमाल और बम्पर पैकेज की तरह ऑडियंस को लगने वाली है। यश और दूसरे किरदारों के जितने भी फैंस हैं, वो तो अभी से एडवांस बुकिंग के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। तो क्या आप भी इस फिल्म के लिए तैयार हैं? क्या आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलूंगी बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। कैसे हैं यश और संजय के रिश्ते केजीएफ 3 के सेट्स पर? प्रोडक्शन कैसे रख रही है एक्टर्स का ख्याल सेट पर? सॉन्ग्स कैसे होंगे केजीएफ 3 में? संजय दत्त और यश दोनों ही केजीएफ में इम्पॉर्टेंट रोल निभाते नजर आए हैं और आएंगे, लेकिन इनमें कोई दोराहे नहीं है कि दोनों अपनी अपनी जगह बड़े स्टार्स हैं। वहाँ औरों के जैसे संजय और यश भी अपने कैरेक्टर्स को बिल्ड करने में लगे हुए हैं, चाहे वो लुक्स हो या बॉडी, लेकिन आपस में दोनों बहुत बातचीत करते पाए जाते हैं। प्रमोशंस तो दोनों साथ कर ही रहे हैं, इसके अलावा दोनों हंसी मजाक करते भी पाए जाते हैं। संजय दत्त अपने एक्सपीरियंस से यश को एक्सप्रेशंस और एटीट्यूड बिल्ड करने में हेल्प कर देते हैं। वहीं सेट्स के अलावा यश भी संजय को डायलॉग डिलीवरी उनके लैंग्वेज में किस तरह से करना है ये सिखा देते हैं। भले ही हीरो और विलेन में ऑन स्क्रीन नहीं बनती, मगर सेट्स और प्रमोशंस के समय दोनों ही एक दूसरे को सहारा देते हैं। दोनों ने ही एक दूसरे के सीन्स को सराहा है और किक 3 के लिए भी कहा है कि इसमें किक एस सीन्स होंगे। केजीएफ के सेट पर काफ़ी ख्याल रखा जाता है एक्टर्स का, उन्हें ज़्यादा तकलीफ ना हो इसके चलते उनकी काफ़ी मांगें पूरी की जाती हैं। मूवी के लिए सिर्फ पैसे ही थोड़ी चाहिए होते हैं। संजय, यश, रवीना और श्रीनिधि सभी को अपने ओन वैनिटी वैन्स दिए गए हैं। इसके अलावा पर्सनलाइज स्टाइलिस्ट भी रखे गए हैं जो उनके लुक को मूवी के कैरेक्टर के साथ अलाइन कर चुके हैं। जहां बहुत सीन्स एक्टर्स ने खुद ही किए हैं, वहीं कुछ बॉडी डबल्स और स्टंट मैन भी सेट पर अवेलेबल रहते हैं। सारे स्टंट सुपरविजन में किए जाते हैं, जिसमें काफ़ी वायर्स और सिस्टम्स यूज़ हुए हैं। अगर फायर रिलेटेड सीन्स नहीं भी हैं तो भी बैकअप्स रखे जाते हैं। जनरल पब्लिक ज़्यादा इंटरफेयर ना करे, इसलिए सिक्योरिटी भी स्ट्रॉन्ग रखी है। इसके अलावा प्रमोशंस के टाइम उनका रहना, ट्रैवल और सब प्रोडक्शंस ही संभालते हैं। केजीएफ 3 में भी प्रोडक्शन ने सारे स्टार्स की डेट्स और अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट्स किए हैं और एक्टर्स की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा है। कमाल की बात यह है कि इतने बड़े स्टार्स होते हुए भी ये सेट पर मिलजुल कर ही काम करते दिखे हैं। केजीएफ चैप्टर 3 में भी सॉन्ग्स स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होंगे, और इसी के साथ एग्जॉटिक लोकेशंस भी ली जा सकती हैं। मूवी में म्यूजिक रवि बसरूर की ही होगी। एक रोमांटिक सॉन्ग भी शूट होने की बातें आ रही हैं, जिसका सिंगर कौन होगा ये अभी तक आउट नहीं हुआ है। आहे रॉकी और अधीरा की असली कहानी कोलार गोल्ड फील्ड में कितने साल पहले हुई थी खुदाई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोस। मैं बड़ा सन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ केजीएफ चैप्टर 2 से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दर्शकों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा दर्शकों। कन्नड़ सुपरस्टार यश की मूवी का सीक्वल यानी केजीएफ चैप्टर 2 लगातार चर्चा में है। डायरेक्टर प्रशांत नील की केजीएफ 2 का ट्रेलर 27 मार्च को रिलीज होगा। वहीं केजीएफ 2 सिनेमा घरों में 14 अप्रैल 2022 को रिलीज के लिए तैयार है। केजीएफ चैप्टर 2 से पहले असली कोलार गोल्ड फील्ड की कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं, जिसे सोने उगलने वाली खदान भी कहा जाता है। रॉकी यानी यश की केजीएफ की खान के इतिहास से लेकर ऐसे 10 फैक्ट से रूबरू करवाते हैं जिनके बारे में शायद ही आप परिचित होंगे। आपने भले ही केजीएफ चैप्टर 1 देखी हो, लेकिन असली केजीएफ की इन बातों से अनजान होंगे। क्या है केजीएफ का मतलब? सबसे पहले तो केजीएफ का मतलब जान लीजिए दर्शकों। इसका मतलब है कोलार गोल्ड फील्ड। केजीएफ कर्नाटक राज्य के कोलार डिस्ट्रिक्ट में आने वाला एक खनन क्षेत्र है। ब्रिटिश दौर में सोने के उत्पादन के लिए इस जगह को खूब जाना जाता था। कोलार दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खदान है
और यहाँ से 121 सालों तक सोने की खुदाई की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलार से कुल 900 टन से ज्यादा सोना निकाला गया था। ब्रिटिश इसे मिनी इंग्लैंड कहा करती थी। जापान के बाद केजीएफ एशिया का दूसरा नगर है जहां बिजली शुरू हुई थी। नरेंद्र मोदी की सरकार इस खदान को फिर से खोलने की तैयारी में है। कहा जाता है कि आज भी कोलार में काफी मात्रा में सोना है। केजीएफ में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड में हजारों लोग काम किया करते थे। साल 2001 में इस सरकारी कंपनी ने खुदाई बंद कर दी थी। इसका कारण था कि सोना कम और खुदाई का खर्चा ज्यादा होने लगा था। केजीएफ से 131 किलोमीटर दूर शिवन समुद्र में एशिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन स्थापित किया गया था। गुप्त चोल वंशों टीपू सुल्तान से लेकर अंग्रेजों समेत कई सालों तक कोलार के सोने को खूब लूटा गया। 1903 में ब्रिटिश सरकार ने केजीएफ और आसपास के गांवों में पानी की आपूर्ति के लिए बेतमंगला में एक झील बनवाई। ये कृतिरम झील धीरे धीरे पिकनिक स्पॉट बन गई। तो दर्शकों, सच्ची बात और जानकारी जानकर आपको कैसा लगा? आप अपनी ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। केजीएफ 3 को मार्वल यूनिवर्स जैसे फ्रेंचाइजी बनाने की तैयारी में जुड़े हैं मेकर्स। क्या इस बार नहीं विलन की होगी एंट्री? क्या है केजीएफ की असली कहानी जहां से निकाला गया 910 गोल्ड? केजीएफ के पहले पार्ट से ही दर्शकों को इसके सीक्वल का बेसब्री से इंतजार था और हाल ही में इसका सीक्वल केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज हुआ। ये फिल्म रिकॉर्ड बना रही है, अब तक करीब 200 करोड़ रुपए कमा चुकी है और केजीएफ का पूरा नाम है कोलार गोल्ड फील्ड्स। सुपरस्टार यश की ये फिल्म कर्नाटक के कोलार में मौजूद सोने की खदानों पर आधारित है। ये एक ऐसी खदान है जहां कभी लोग इन्हें हाथ से खोदते थे और सोना निकाल लेते थे। 121 साल के इतिहास में इस खदानों से करीब 900 टन सोना निकाला जा चुका है और जिस सोने की खदान को फिल्म में दिखाया गया है वो कर्नाटक के कोलार जिले के मुख्यलातल से 30 किलोमीटर दूर रॉबर्टसनपेट नाम की तहसील में है। दक्षिण अफ्रीका की पोनेट गोल्ड माइंस के बाद कोलार गोल्ड फील्ड्स की गिनती दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खदान में ही की जाती है। इस खान के बारे में ही कई कहानियां प्रचलित थी और इन्हें सुनकर ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेंटेन यहां पहुंचे और केजीएफ की सच्चाई जानने के लिए जॉन ने गांव वालों को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा जो भी शख्स खदान से सोना निकाल कर दिखाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। इनाम पाने की चाहत में गांव वाले बैलगाड़ी में खदान की मिट्टी भरकर जॉन के पास पहुंचे और जॉन ने मिट्टी को जांचा तो वाकई में उसमें सोने की अंश मिले। और उस दौर में जॉन ने खदान से 56 किलो सोना निकलवाया था और इसके बाद 1804 से 1860 के बीच सोना निकालने की काफ़ी कोशिश हुई लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। इसी दौरान कई लोगों की मौत होने के कारण खदान में खुदाई बंद करा दी गई और 1871 में इस खदान पर रिसर्च शुरू हुई। दरअसल रिटायर्ड ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्ज़गेराल्ड लेवेली ने 1804 में एशियाटिक जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें कोलार की इसी सोने की खदान का जिक्र था। लेवेली काफ़ी उत्साहित हुए और भारत आए। उन्होंने खदान के 100 किलोमीटर के दायरे में सफ़र किया और उन जगहों को चिन्हित किया जहां सोना मिल सकता है। नतीजा वो सोने के भंडार वाली जगहों को खोजने में सफल रहे। पहली सफलता के बाद जॉन ने 1873 में मैसूर के महाराज से खनन करने के लिए लाइसेंस जारी करने की अनुमति मांगी। महाराजा ने 2 फरवरी 1875 को लाइसेंस जारी किया और जॉन ने इसके लिए निवेशक ढूंढे और खनन का काम ब्रिटिश कंपनी जॉन टेलर एंड सन्स को सौंपा। इस तरह केजीएफ से सोना निकलने का काम शुरू हो गया और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उस दौर में भारत में जितना भी सोना निकलता था उसका 95% इसी केजीएफ से आता था। इस तरह भारत सोना पैदा करने के मामले में छठे पायदान पर पहुंच गया था। 1930 में कोलार गोल्ड फील्ड में सोने का भंडार घटने लगा। भारत के आज़ाद होने तक इस पर अंग्रेजी का एक ही नियंत्रण रहा।
आज़ादी के बाद 1956 में ये खदान केंद्र के नियंत्रण में चली गई और वर्तमान में ये खदान खंडहर में तब्दील हो गई। सोना निकालने के लिए जो सुरंगें खोदी गई थी वो अपना पानी भरा है। विशेषज्ञों का कहना है कि केजीएफ में अभी सोना तो है, लेकिन जो खदान के वर्तमान हालात हैं उसमें साफ है कि यहाँ जितना भी सोना है उसके ज़्यादा लगातार वो उसे निकालने में आ जाएगी। वहीं दूसरी ओर कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में एक्टर यश ने केजीएफ चैप्टर 3 को लेकर बात की थी और बताया था कि इसमें पिछले दो पार्ट से भी ज़्यादा इंटेंस और हाई एक्शंस देखने को मिलेगा। वहीं अब मेकर्स की तैयारी है कि वो केजीएफ को मार्वल यूनिवर्स के तौर पर आगे बढ़ाने की और इसमें अन्य बड़ी फिल्मों के एक्टर्स भी जुड़ेंगे। विजय किरणदर ने बताया कि वो एक केजीएफ को मार्वल यूनिवर्स के तौर पर डेवलप करेंगे और इसके लिए अलग अलग फिल्मों के दिलचस्प किरदारों को लाया जाएगा। विजय किरणदूर का कहा है कि मेकर्स की प्लानिंग डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर स्पाइडरमैन होमकमिंग जैसा यूनिवर्स बनाने की है और जब विजय किरणदूर से पूछा गया कि उनकी प्लानिंग केजीएफ को मार्वल यूनिवर्स जैसा बनाने की है तो फिर नॉर्थ से इसमें कौन से एक्टर्स शामिल हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसे स्टार्स को वो ले सकते हैं जो एक्शन जानते हैं, जैसे कि ऋतिक रोशन। उन्होंने बताया कि वो केजीएफ में मैचो लुक वाले स्टार्स और कैरेक्टर्स को आगे लाने वाले मार्टर्स के इंट्रोड्यूस कराएंगे। अब देखना यह है कि केजीएफ चैप्टर 3 में क्या ट्विस्ट और क्या नए किरदार देखने को मिलने वाले हैं। फैंस केजीएफ 2 में दिखाए गए पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद से ही तीसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं खबर है कि केजीएफ चैप्टर 3 में विलन के रोल के लिए बाहुबली फेम राणा दग्गुबाती को अप्रोच किया गया है और राणा दग्गुबाती बाहुबली में भल्लाल देव के किरदार में दिखे थे। हालांकि अभी कुछ कंफर्म नहीं किया गया है और केजीएफ चैप्टर 2 में विलेन अधीरा की मौत हो चुकी है और ऐसे में एक नए विलेन की खोज जारी है। तो फिर आपके इसके ऊपर क्या विचार है हमें ये कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा रॉकी भाई को। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ कनिका लिंगपाल और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। इन्हीं सारे सवालों को जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब केजीएफ 2 के एंड के सीन में केजीएफ 3 के आने की खबरों को किया गया था तभी से फैंस में अलग ही उत्सुकता है फिल्म के आगे की कहानी जानने की। जैसे कि आप सभी ने देखा कि केजीएफ 2 में रॉकी मर जाता है, लेकिन कोई भी फिल्म डायरेक्टर ऐसे ही दमदार कैरेक्टर को यूं ही नहीं खत्म कर सकता, जिसकी वजह से फिल्म को सफलता पर सफलता मिल रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, रॉकी भाई फिर से दिखाई देंगे हमें मूवी में। जहां तक फिल्म की बात करें तो सीन में बस इतना ही दिखाया गया था कि रॉकी पानी में कूद जाता है, इससे ये साबित नहीं होता कि वो मर गया है। और ये तो सिनेमा है साहब, यहाँ कौन कब जिंदा हो जाए कहना मुश्किल। अगर हम आगे की कहानी की बात करें तो इसमें ये दिखाया जाएगा कि 3 साल के इंटरवल में रॉकी ने कई देश विदेशों में लगभग 14 कंट्रीज में क्राइम किया। साथ ही केजीएफ काफी डेवलप हो चुका है। एक और बात ऐसी है जो कि प्रूफ करता है कि रॉकी जिंदा है, तो हेलीकॉप्टर वाला सीन चैप्टर 1 में दिखाया गया था, जिसमें रॉकी पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है और रॉकी की आईडी देखने के बाद पुलिस वाला पीछे हट जाता है। ये गारंटेड चैप्टर 3 का सीन होगा, क्योंकि चैप्टर 2 में इस सीन से कोई भी बात नहीं ली गई। खबरों की माने तो रॉकी को बचाने वाला इनायत खलील हो सकता है और इसी के साथ फिल्म में इसकी वापसी का भी सीन दिखाया जाएगा। साथ ही आपको ये भी देखने को मिलेगा कि रॉकी का रमिका सेन के साथ डील हो रखा है, जिसकी वजह से रॉकी ने अपना बिजनेसमैन वाला दिमाग लगाकर झूठी मौत की कहानी बनाकर दिखा। ऐसा करने के लिए उसे रमिका सेन नहीं कहा था, क्योंकि उस वक्त इलेक्शन का समय था और रमिका नहीं चाहती थी कि किसी भी हालत में उनका गलत इंप्रेशन पड़े लोगों का। आने वाले सीन में रमिका सेन रॉकी की मौत और केजीएफ 3 में एक बड़ी कड़ी साबित हो सकती है। आपको बता दें कि इस बार श्रीनिधि शेट्टी केजीएफ 3 में नजर नहीं आएंगी, उनका कैरेक्टर था अब वो खत्म हो चुका है। तो आप कहानी से अंदाजा लगा ही सकते हैं कि फिल्म इस बार बॉक्स ऑफिस पर एक शानदार पारी खेल रही है। तो चलिए, इस चटपटी अपडेट के साथ आज का वीडियो यहीं करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। क्या सीख सकते हैं प्रशांत ने? सो हेलो टू माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। दिस इज रिया और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक ऐसी दिलचस्प खबर जो कि जुड़ी है बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म केजीएफ चैप्टर 3 के साथ।
तो दोस्तों अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ। प्रशांत नील डायरेक्टर फिल्म KGF चैप्टर 2 को सिनेमा घरों में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में 14 अप्रैल को रिलीज कर चुके हैं, जो अब KGF 3 के साथ चर्चा में बनी हुई है। पहले पार्ट की तरह इस फिल्म को भी बाल्टी भर भर कर लोगों का प्यार मिल रहा है और 4000 से ज्यादा स्क्रीन पाकर पहले ही दिन फिल्म ने सिर्फ हिंदी में 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म में मार धाड़ कूट कूट कर भरा हुआ है, गाने को भी कुछ एक जगह सुनने को मिल रहा है और फिल्म में शोर भी भरपूर है, जिससे आपके कान के पर्दे भी फटने की पूरी पूरी गुंजाइश है। वैसे पिक्चर पूरी साफ सुधरी है, मतलब कि कोई इंटीमेट सीन्स नहीं है। जी हाँ, मतलब पूरी फैमिली मिलकर ये फिल्म आराम से देख भी सकती है। लेकिन 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 फिल्म में कई जगह मनोरंजन के नाम पर कुछ सीन्स और कैरेक्टर्स ऐसे थे जिन्हें देखकर निराशा होती है, जिन पर डायरेक्टर को KGF 3 को हिट बनाने के लिए मन लगाकर काम करने की जरूरत है। जैसे कि KGF चैप्टर 1 में कई सारे डॉन थे, गरुड़ा, कमल, एंड्रयूज, विराट, जॉन, राजेंद्र देसाई, शेट्टी, सूर्यवर्धन, गुरु पंडियन, मतलब कि हर सीन में हर एक नया विलेन। पूरे 2.5 घंटे में यही जगह जगह छाए भी हुए थे। पहले पार्ट में तो इनका रॉब रुतबा समझ आ रहा था, फीलिंग आ रही थी कि भाई ये खतरनाक लोग हैं, रॉकी इनसे कैसे निपटेगा। लेकिन जब दूसरे पार्ट में विलन की यही टोली दोबारा देखने को मिली तो उनका वो रॉब फीका नजर आया। शेट्टी और एंड्रयूज फिर भी कुछ हद तक अपने लुक से गिरते फिरते विलन गिरी दिखा रहे थे, लेकिन बाद में भी उन्हें मुंह की ही खानी पड़ी। चैप्टर 2 में मेकर्स 2 नए विलन लेकर भी आए, एक अधीरा और दूसरा इनायत खलील, जिन्हें शुरू में देखकर लगा कि ये दोनों फिल्म में आग लगा देंगे, गदर काट देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सब सुतली बम निकले। कुछ तो आपस में ही लड़ कट के मर गए और कुछ तो रॉकी ने ही खत्म कर दिया। बात तो तब बनती जब इनकी लड़ाई आमने सामने होती। फिल्म को मानो कान छांट करके बस रिलीज कर दिया था। तो अगर प्रशांत नील KGF 3 को मार्वल यूनिवर्स बनाना चाहते हैं तो उन्हें उसी की तरह अपने विलन को इतना मजबूत करना होगा कि वो आखिर तक अपनी परत दर परत खोलते रहें, क्योंकि जब कोई एक्टर विलन का किरदार करता है तो लोगों की उम्मीद उससे बढ़ जाती है कि वो हीरो से 10 कदम आगे ही होगा, बेशक हीरो कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। और अगर हम संजय दत्त की अग्निपथ वाले कैरेक्टर के बारे में बात करें तो ऋतिक के सामने संजय डट के खड़े थे। तो बेशक साउथ की फिल्म हिट हो रही है, लेकिन उन्हें बॉलीवुड से विलन से कुछ सीखने की जरूरत है। बता दें KGF 3 में अगर प्रशांत नील विलन पर काम करते हैं तो बेशक ये एक अच्छी सुपर फ्रेंचाइजी निकाल कर सामने ही आएगी। बता दें KGF 3 की शूटिंग अक्टूबर 2022 से की जाने वाली है, तो फिर आप इस सुपर फ्रेंचाइजी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? मेकर्स ने अनाउंस की KGF की कंफर्म्ड रिलीज डेट। आखिर क्यों किया गया KGF के रिलीज डेट को चेंज? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राड स्टूडियोज में। गाइज, ये तो सभी को पता है कि साउथ एक्टर्स ने किस तरह से हिंदी सिनेमा के फैंस को अपना दीवाना बना दिया है। आज के टाइम पर लोग टॉलीवुड के एक्टर्स और फिल्मों के इस कदर दीवाने हैं कि टॉलीवुड की फिल्मों का क्रेज अब तो पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर हो गया है, और शायद इसलिए साउथ एक्टर्स आजकल सुर्खियों में बने रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम ये बातें आपको क्यों बता रहे हैं, आप तो ऑलरेडी ये सब जानते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों हम कर रहे हैं आज साउथ फिल्मों के क्रेज के बारे में बात। दरअसल आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फिल्म की जिसने पूरे वर्ल्ड में अपना जादू चलाया है। हम बात कर रहे हैं KGF 2 की। जब फिल्म KGF रिलीज हुई थी तो फिल्म के मैसिव सक्सेस को देख के मेकर्स ने फिल्म के दूसरे पार्ट यानी KGF 2 को भी रिलीज किया, जिसके बाद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई, और ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस बल्कि लोगों के दिमाग में भी इस तरह से बस गई कि लोग फिल्म के सेकंड पार्ट को देखने के बाद ही KGF 3 के लिए सवाल करने लगे कि आखिर कब रिलीज होगी फिल्म KGF 3। पर मेकर्स ने फिल्म को लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की थी, पर आज हम आपको बताने वाले हैं एक गुड न्यूज जिसे सुन के आपकी एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाएगी।
फाइनली आ गई है फिल्म KGF 3 की रिलीज डेट। गाइस मेकर्स ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि KGF 3 को 2024 में रिलीज किया जाएगा। खैर ये तो थी फिल्म और फिल्म की शूट, रिलीज स्टोरी और कास्ट से जुड़ी कुछ बातें, पर आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको कैसी लगी फिल्म से जुड़ी हमारी ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन और आप कितने एक्साइटेड हैं KGF 3 के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। KGF 3 की शूटिंग, क्या कहा फिल्म के मेकर्स ने KGF 3 के बारे में। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। गाइस ये तो आप सभी को पता ही है कि साउथ एक्टर्स ने किस तरह से हिंदी सिनेमा के फैंस को अपना दीवाना बना दिया है। आज के टाइम पर लोग टॉलीवुड के एक्टर्स और फिल्मों के इस कदर दीवाने हैं कि टॉलीवुड की फिल्मों का क्रेज अब तो पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर हो गया है और शायद इसलिए साउथ एक्टर्स आजकल सुर्खियों में बने रहने का भी एक मौका नहीं गंवाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बातें तो आप ऑलरेडी जानते हैं तो हम इस बारे में आपको क्यों बता रहे हैं। तो चलिए आपको बता दें कि आखिर हम क्यों कर रहे हैं आज साउथ फिल्मों के क्रेज के बारे में बात। दरअसल आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसने पूरे वर्ल्ड में अपना जादू चलाया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं KGF 2 की। जब फिल्म KGF रिलीज हुई थी तो फिल्म के मैसिव सक्सेस को देख के मेकर्स ने फिल्म के दूसरे पार्ट यानी KGF 2 को भी रिलीज किया, जिसके बाद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की और न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर बल्कि लोगों के दिमाग में भी इस तरह से बस गई कि लोग फिल्म के सेकंड पार्ट को देखने के बाद से ही KGF 3 के लिए सवाल करने लग गए कि आखिर कब रिलीज होगी फिल्म KGF 3। पर मेकर्स ने फिल्म को लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की थी, पर आज हम आपको बताने वाले हैं एक गुड न्यूज जिसे सुनकर आपकी एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, फाइनली आ गई है KGF 3 की रिलीज डेट। गाइज मेकर्स ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि KGF 3 को 2024 में रिलीज किया जाएगा। खैर दोस्तों, ये तो थी फिल्म और फिल्म के शूट, रिलीज स्टोरी और कास्ट से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। अब आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है फिल्म से जुड़ी हमारी ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन। साथ ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। क्यों नहीं मिली श्रीनिधि को रेस्पेक्ट? क्या है श्रीनिधि को लेकर यश का ओपिनियन? क्या यश नहीं करते अपनी हीरोइन की कद्र? सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फिल्मों की लिस्ट में KGF 2 ने अपनी पक्की जगह बना ली है। देश विदेश में रॉकी भाई का वायलेंस धमाका मचा रहा है। आखिरकार यश ने कन्नड़ इंडस्ट्री को ग्लोबल बना ही दिया और फिल्म के एंड में चैप्टर 2 का हिंट देकर ऑडियंस के दिल में बुकिंग फिक्स कर ली। चैप्टर 3 बनने में काफी वक्त लग सकता है क्योंकि इस बार कहानी में नए ट्विस्ट एंड टर्न्स लाकर नए इंटरकनेक्शन देखने को मिल सकते हैं, पर चैप्टर 3 हो, 4 हो, 5 हो, रॉकी भाई का वायलेंस लेवल तो बढ़ता ही जाएगा। सच है कि फिल्म की सक्सेस में यश का बड़ा हाथ है। आखिर ये फिल्म हीरो ओरिएंटेड रही है, पर फिल्म में बाकी किरदारों का भी काफी बड़ा हाथ है। इतना ही क्यों, यश की कोस्टार श्रीनिधि शेट्टी भी तो फिल्म में छा गई। उन्होंने अपने करियर में दो ही फिल्में की और उन्होंने इन फिल्मों के लिए काफी अच्छे ऑफर्स ठुकरा दिए। प्रमोशंस और इवेंट्स के दौरान यश ने भी तारीफ करते हुए श्रीनिधि के बारे में कहा कि वो डेडिकेटेड एक्ट्रेस है। ज्यादा फिल्में करने के बजाय दो फिल्मों के लिए उन्होंने अपने करियर के 6 से 5 साल दिए, जो कि कोई और नहीं कर सकता था, और साथ ही उन्हें लकीस्ट एक्ट्रेस भी कहा। ये तो सच है कि पहली फिल्म में इतना सक्सेस मिलना तो बड़ी बात है, पर उसके लिए काफी सैक्रिफाइस करना पड़ा। कभी कभी देखते वक्त ऐसा लगता है कि लोग सिर्फ रॉकी भाई पर ही फोकस कर रहे हैं, जबकि उनके साथ श्रीनिधि को भी उतना ही अप्रिशिएट करना जरूरी है। मॉल्स में इवेंट्स के दौरान टीम के साथ पहुंचने के बाद श्रीनिधि काफी अकेले दिखाई देती है। एक इवेंट के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल स्टेज पर श्रीनिधि, यश, डायरेक्टर प्रशांत नील बैठे थे, पर कुछ लोग आकर सिर्फ यश को ही शेक हैंड कर रहे थे, जबकि श्रीनिधि भी उनको अप्रोच कर रही थी, खड़े हो रही थी, पर उन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया गया और ऐसे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। इतना ही क्यों, खुद यश भी रवीना टंडन को काफी रिस्पेक्ट दे रहे थे और श्रीनिधि से बात भी नहीं कर रहे थे। मतलब एक साथ काम करो और तभी अजनबियों वाला बिहेवियर, मतलब इतना काम करने के बावजूद भी लोग इग्नोर करे, रिस्पेक्ट ना दे, ये तो ना इंसाफी हुई ना। इसीलिए श्रीनिधि के जितने भी फैंस हैं, अगर वो ये बात सुन ले तो उनका यही कहना होगा कि KGF 3 में तो हीरोइन की कद्र करो, क्योंकि ये कोई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में से नहीं है जो टैंट्रम्स दिखाकर बातों को कवर करे। खैर चैप्टर 3 में श्रीनिधि होगी कि नहीं ये तो पता नहीं, पर पिछले दो फिल्मों में उनकी और यश की केमिस्ट्री जबरदस्त रही। अगर प्रशांत नील के दिमाग में कोई और कहानी चल रही हो तो किसका नंबर लगेगा पता नहीं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या आप है श्रीनिधि के रियल फैन? बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। इस वीडियो को शेयर और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। KGF 3 और मार्वल यूनिवर्स का कनेक्शन, क्या मार्वल यूनिवर्स क्रिएट करना पड़ेगा मेकर्स को एक्सपेंसिव? क्या KGF 3 को लेकर प्रोड्यूसर हुए स्पाइडरमैन मूवी से इंस्पायर? क्या होगा KGF 3 का ओवरऑल बजट?
केजीएफ सीरीज की सक्सेस के बाद से ही अपकमिंग फिल्म केजीएफ 3 को लेकर ऑडियंस के बीच और सोशल मीडिया पर काफी चर्चा चल रही है। इस फिल्म को लेकर ऑलरेडी काफी रूमर्स और अनक्लियर फैक्ट्स भी स्प्रेड किए जा चुके हैं। तेजी से फैलती हुई इन स्पेकुलेशंस के चलते फैंस की होप्स और एक्साइटमेंट्स भी नेक्स्ट लेवल पर आ चुकी है। प्रोड्यूसर्स ने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट रिवील करके फिल्म के एंटरटेनिंग फैक्टर को और बढ़ा दिया है। हाल ही में केजीएफ 3 के प्रोड्यूसर विजय किरागंदूर ने यह कंफर्म किया है कि वो केजीएफ 3 में नए कैरेक्टर्स के साथ मार्वल स्टाइल यूनिवर्स इंट्रोड्यूस करेंगे। मार्वल यूनिवर्स का मतलब होता है डिफरेंट स्टोरीज को आपस में इंटरकनेक्ट करके डिफरेंट कैरेक्टर्स को एक ही फिल्म में प्रेजेंट करना। इस स्टाइल की मूवी थीम आजकल काफी ट्रेंड में भी चल रही है। मार्वल यूनिवर्स के पॉपुलर होने का रीजन है काफी पॉपुलर और हिट कैरेक्टर्स का एक साथ स्क्रीन पर दिखाई देना। मार्वल यूनिवर्स किसी भी मूवी को अपनी प्रेजेंस से डबल एंटरटेनिंग बना देता है क्योंकि हर कैरेक्टर में एक स्पेशल ट्रेट प्रेजेंट होता है। जब डिफरेंट कैरेक्टर्स के एंटरटेनिंग फैक्टर्स और क्वालिटीज मिक्सअप होती है तो ऑडियंस को स्क्रीन पर काफी एक्साइटिंग और फन एक्सपीरियंस मिलता है। प्रोड्यूसर विजय किरागंदूर हॉलीवुड मूवी स्पाइडरमैन से काफी इंस्पायर होते हुए नजर आते हैं। एक इंटरव्यू में विजय ने कन्फेस किया कि वो केजीएफ 3 में वैसा कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं जैसे हॉलीवुड फिल्म्स स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज में प्रेजेंट किया गया था। विजय का ऐसा भी मानना है कि फिल्म में मार्वल यूनिवर्स क्रिएट करना फिल्म की सक्सेस का एडिशनल पॉइंट बन सकता है। सोर्सेस की माने तो केजीएफ 3 हो सकती है आने वाली साउथ की हाई बजट फिल्म। होमबेल प्रोडक्शंस हाउस और प्रोड्यूसर विजय किरागंदूर केजीएफ चैप्टर 3 को 1000 करोड़ रुपीस के बेनिफिट पर प्रोड्यूस करने का प्लान कर रहे हैं। सोर्सेस की माने तो केजीएफ के पार्ट 3 को 2024 नवंबर या दिसंबर में रिलीज किया जा सकता है। अब देखना यह है कि केजीएफ 3 की मार्वल यूनिवर्स थीम ऑडियंस का दिल जीत पाती है या नहीं। तो इसी चटपटी अपडेट के साथ आज का ये वीडियो यहीं होता है एंड, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो एंटरटेनिंग लगा होगा। केजीएफ 3 के लीड एक्टर यश उर्फ रॉकी का कैरेक्टर ट्रेड कैसे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से इंस्पायर था। जैसे कि आप सबको पता है कि केजीएफ एंड केजीएफ 2 में रॉकी भाई की अमेजिंग लुक एंड अवतार ने कैसे हम सबको उनका दीवाना बना दिया। और ऑथेंटिक सीन्स के लिए जब इन्हें 70s के कपड़े पहनाए गए तो इस कैरेक्टर से जरूर आपको 70s और 80s के एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन की याद आ गई होगी। दरअसल फिल्म में प्रशांत नील 70s और 80s का सीन क्रिएट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बच्चन साहब के रेट्रो लुक्स को रेप्लिकेट करने की सोची। इसीलिए फिल्म में रॉकी भाई के बाल लंबे रखवाए गए और उन्हें बेल बॉटम पहनाया गया। सिर्फ लुक्स तक ही नहीं बल्कि केजीएफ अपनी स्टोरी थीम को लेकर 70s हिंदी सिनेमा से मेजर इंस्पिरेशन लेती है। ऐसा कहा जा रहा है कि केजीएफ 2 की स्टोरी लाइन 70s की एक फिल्म से बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। एट द सेम टाइम केजीएफ 2 ने भी उस मूवी से इंस्पिरेशन ली एंड उस फिल्म को मॉडिफाइड तरीके के साथ दर्शकों तक प्रेजेंट की। वेल, ये तो था कि कैसे केजीएफ 2 के फिल्म मेकर्स ने केजीएफ 2 की स्टोरी लाइन के ऊपर कैसे रिसर्च की एंड कैसे उन्हें इस फिल्म को करने के लिए इंस्पिरेशन मिली। साथ ही साथ फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने तो प्रूफ कर दिया कि वो एक अच्छी कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाना बहुत अच्छे से जानते हैं और ये भी बता दिया कि वो अपनी फिल्मों को बड़े लेवल पर भी बनाना जानते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि गाइज केजीएफ 2 फिल्म की अच्छी फीडबैक के बाद फिल्म का दूसरा पार्ट रिलीज किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये 2023 में कर दिया जाएगा। एंड बात करें यश की तो वो फिल्म में अपने कैरेक्टर के रोल को करने के लिए इतने एक्साइटेड है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये फिल्म 1000 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन कर चुका है। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो केजीएफ चैप्टर 2 में यश, संजय दत्त, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी जैसे कई किरदार नजर आएंगे एंड केजीएफ 3 की तैयारी शुरू कर दी गई है। सुनने में आया है कि ये फिल्म साल 2024 में जनवरी के महीने में रिलीज की जाएगी। दीर नील ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पिक शेयर करते बताया कि केजीएफ 3 मूवी का प्री प्रोडक्शन वर्क शुरू कर दिया गया है। इस फिल्म में यूज करने वाले कॉस्ट्यूम्स की तैयारी चल रही है। वहीं दूसरी ओर फिल्म की लोकेशन भी सेट को फाइनलाइज करने के बारे में सोचा जा रहा है। दोस्तों, इसी के साथ मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त को दे दीजिए इजाजत और आपकी इस मूवी यानी कि केजीएफ 3 को लेकर क्या सजेशंस या फीडबैक है ये हमें जरूर बताएं। आपको ये बता दें कि केजीएफ 3 फिल्म सिल्वर स्क्रीन्स पर जल्द रिलीज हो सकती है। अब क्या ये फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के बाद फैंस का दिल जीत पाती है, तो गाइज ये तो अब वक्त ही बताएगा। उम्मीद करते हैं कि फिल्म को देखने के लिए आप सभी बहुत एक्साइटेड होंगे, साथ ही साथ इन फैक्ट्स के बारे में जानकर काफी हैरान भी रह जाएंगे।
दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। टू ओवरटेक करेगी बाहुबली को, किस तरह केजीएफ चैप्टर 2 1700 करोड़ के मार्क को क्रॉस कर सकती है, केजीएफ 2 ने हाल ही में कौन से रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां आज हम बात करेंगे डायरेक्टर प्रशांत नील की हाल ही में रिसेंट रिलीज फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में। केजीएफ चैप्टर 2 ने अपने अगले चैप्टर की घोषणा तो की ही थी, मगर साथ ही साथ वो लगातार एक के बाद एक रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ती जा रही है। केजीएफ चैप्टर 2 बिना रुके रिकॉर्ड्स तो तोड़ ही रही है, मगर साथ ही साथ फैंस के लिए चैप्टर 2 को लेकर जो उम्मीदें हैं वो बहुत लगातार बढ़ती जा रही है। जहां पुष्पा और ट्रिपल आर जैसी न्यू साउथ इंडियन मूवीज ने पूरे इंडिया भर में अपना नाम बनाया, वहीं केजीएफ चैप्टर 2 एक एस्टैब्लिश्ड फ्रेंचाइजी थी ऑलरेडी, और उस अपनी लेगेसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करना था, जिसे केजीएफ 2 ने बखूबी निभाया और साथ ही साथ केजीएफ चैप्टर 1 का रिकॉर्ड तोड़ ही दिया। लेकिन बाहुबली 2 का इतना लंबे टाइम से चलते आ रहे 552 करोड़ के वीकेंड कलेक्शन रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि केजीएफ चैप्टर 2 की स्पीडी कलेक्शन के ऊपर ब्रेक लग सकती है जब डॉक्टर स्ट्रेंज 2 रिलीज की जाएगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। केजीएफ चैप्टर 2 की कलेक्शन काफी हद तक स्लो डाउन हो चुकी है, लेकिन रुकी नहीं है, ये बात कंफर्म है। केजीएफ चैप्टर 2 के लिए जो रिकॉर्ड सबसे नजदीक नजर आ रहा था वो था ट्रिपल आर का, जिसका कलेक्शन था 1100 करोड़ से भी ज्यादा, और हाल ही में केजीएफ चैप्टर 2 ने इस रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया, वो भी ट्रिपल आर मूवी के लगभग आधे टाइम में, जो कि लिटरली बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। अब हाईएस्ट इंडियन ग्रॉसिंग मूवीज की लिस्ट में केजीएफ चैप्टर 2 सिर्फ और सिर्फ 2 मूवीज से पीछे है, दंगल और बाहुबली 2 द कंक्लूजन। एंड फिलहाल ये मूवीज अभी भी थिएटर्स में रन की जा रही है, और जब आप इस मूवी को देख रहे होंगे तब तक केजीएफ चैप्टर 2 के रिलीज को 1 मंथ पूरा हो चुका होगा। बस अब वेट है केजीएफ चैप्टर 2 के ओटीटी रिलीज का, एंड केजीएफ मेकर्स ने इस मूवी के ओटीटी राइट्स के लिए 400 करोड़ तक की डील फाइनल की है। दस अगर थिएटर रन को कंप्लीट करने के पहले अगर केजीएफ चैप्टर 2 1300 करोड़ के मार्क को टच करती है, तो केजीएफ चैप्टर 2 का ऑफिशियल टोटल मार्क हो जाएगा 1700 करोड़ का, और फिर वो काफी आसानी से बाहुबली 2 और दंगल को भी ओवरटेक कर सकती है, मगर ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक आप हमें बताइए कि आपके अकॉर्डिंग क्या केजीएफ चैप्टर 2 बाहुबली 2 को ओवरटेक कर पाएगी या फिर नहीं, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रही बात हमारी, तो हम आपको बताएंगे कि कौन से फैक्टर्स केजीएफ के फेवर में हैं और वो इस रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। देखिए केजीएफ पर रिसर्च, क्या है फैन दीक्षा की केजीएफ 3 की इन्वेस्टिगेशन, कब हो सकती है फिल्म रिलीज, कैसा है केजीएफ 3 का फैन मेड ट्रेलर, केजीएफ सीरीज की सक्सेस के बाद से ही अपकमिंग फिल्म केजीएफ 3 को लेकर ऑडियंस के बीच अलग ही चर्चा चल रही है। इस फिल्म के रिलीज को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड है और सोशल मीडिया पर अपनी एक्साइटमेंट दिखाने से पीछे नहीं हट रही है। एक्साइटमेंट लेवल इतना बढ़ चुका है कि लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए फैंस ने इस फिल्म को लेकर सेल्फ रिसर्च करना भी शुरू कर दिया है। चलिए देखते हैं कि यश और केजीएफ सीरीज की फैन यूट्यूबर दीक्षा ने क्या इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन की है। यूट्यूबर दीक्षा फिल्मी इंडियन नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल चलाती है। हाल ही में दीक्षा ने केजीएफ 3 को लेकर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर की है। दीक्षा की रिसर्च के अकॉर्डिंग केजीएफ सीरीज की सक्सेस के बाद ये बात तो पक्की है कि केजीएफ 3 बॉक्स ऑफिस पर जरूर हिट होगी। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि दीक्षा की रिसर्च के अकॉर्डिंग केजीएफ 3 और सालार का आपस में एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है, और ऑडियंस के बीच असली एक्साइटमेंट ये सीक्रेट कनेक्शन जानने के लिए ही है। मेकर्स की तरफ से भी इस फिल्म के रिलीज को लेकर काफी हिंट्स मिल रही है, पर अभी तक मीडिया में इस फिल्म की मेकिंग और रिलीज को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। सोर्सेस की माने तो इस फिल्म को लेकर शूटिंग रिलेटेड वर्क स्टार्ट किया जा चुका है और फिल्म की रिलीज साल 2023 में एक्सपेक्ट की जा रही है। फैंस का ऐसा कहना है कि केजीएफ चैप्टर 2 में काफी क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिल पाए थे, जिसके चलते फैंस के बीच काफी सस्पेंस बना हुआ है। डायरेक्टर का चैप्टर 2 में इतना सस्पेंस बनाए रखने का साफ रीजन है कि केजीएफ चैप्टर 3 को बड़े पर्दे पर लेकर आना है। अपकमिंग केजीएफ 3 इतनी ट्रेंडिंग करनी है कि फैंस ने अपना एक्साइटमेंट लेवल केजीएफ 3 का इमेजिनरी ट्रेलर बनाकर भी शो किया।
हालांकि इस ट्रेलर में एक्चुअल मूवी से रिलेटेड कुछ भी नहीं था, फिर भी ट्रेलर में कुछ एक्सपेक्टेड एक्शन सीन्स इंक्लूड किए गए और ऑडियंस के बीच क्रेज और बढ़ाने के लिए यश की इमेजिनरी एंट्री भी दिखाई गई। ट्रेलर के कुछ एक्शन सीन्स को केजीएफ 3 की स्टोरी लाइन से काफी हद तक रिलेट करने की कोशिश भी की गई। इस ट्रेलर के रिलीज होते ही फैंस ने जमकर लाइक्स और कमेंट्स किए और इस क्रिएटिव ट्रेलर को काफी अप्रिशिएट भी किया गया। तो इसी चटपटी अपडेट के साथ आज का ये वीडियो यही होता है एंड, और हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको एंटरटेन कर पाए होंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बॉलीग्रास स्टूडियोज और मैं आपकी दोस्त और होस्ट मंगीशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आपको बता दें कि केजीएफ 3 के जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने एक रीसेंट इंटरव्यू के दौरान जो बातें हुई थी वो बड़ी ही खतरनाक थी। उन्होंने एंड पर एक नोट में एक बात कहकर छोड़ी कि जैसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है वैसे ही आपको केजीएफ का सिनेमैटिक यूनिवर्स देखने को मिलेगा। भाई केजीएफ का सिनेमैटिक यूनिवर्स, आप सोच के देखो ये चीज गाइज। फिल्म के डायरेक्टर ने इस बात को कहा कि पहले उनका मेन फोकस फिल्म सालार पर है जो कि अगले साल 2023 में रिलीज होगी। उसके बाद वो केजीएफ चैप्टर 2 के अगले सीक्वल की तरफ ध्यान देंगे। साथ ही साथ प्रशांत नील केजीएफ के डायरेक्टर ने एक हिंट भी दिया जिससे आई एम श्योर आप सब बहुत ही क्यूरियस हो जाएंगे। प्रशांत नील ने बताया कि हो सकता है कि वो फिल्म में प्रभास की एंट्री करे। अब इस बीच सवाल ये उठता है कि कहीं रॉकी से उनका लीड रोल ना छीन लिया जाए, और अगर ऐसा हुआ तो बस ये सोचना तो टफ है कि रॉकी इस बात को कैसे रिएक्ट करेंगे। एनीवेज ही एडेड कि उन्होंने केजीएफ 3 के रिलीज होने के बाद एक और फिल्म के बारे में भी सोचा है और उस मूवी के लिए कई एक्टर्स को भी शॉर्टलिस्ट किया है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि वो केजीएफ 3 का अगला सीक्वल होगा, बट ये कहा कि उस मूवी में उनकी प्लानिंग ऐसी है जिसमें एक अलग तरह की दुनिया दिखाई जाएगी, यानी कि काफी यूनिक कंसेप्ट होने वाला है जो आज तक ना किसी ने सोचा और ना ही सोच पाएगा। इससे तो साफ ही पता चलता है कि कन्नड़ा इंडस्ट्री किसी दूसरी इंडस्ट्री से कम नहीं, और वो दूसरी इंडस्ट्री कौन सी है गाइज ये तो शायद आप समझ ही गए होंगे। दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर ने कहा कि केजीएफ 3 की कहानी वहीं से शुरू की जाएगी जहां पर केजीएफ 2 की एंडिंग हुई थी। बजट की बात करें तो मेकर्स ने फिल्म के लिए काफी हाई बजट तैयार किया है। सुनने में आया है कि फिल्म में यूज करने वाले कॉस्ट्यूम्स बनने की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी और फिल्म की लोकेशन भी काफी हटके ही होगी। बात करें फिल्म केजीएफ 3 की कास्टिंग की तो इसमें यश, संजय दत्त, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी को कास्ट करने की प्लानिंग ऑलमोस्ट फाइनल है। दोस्तों इसी के साथ मुझे यानी आपकी होस्ट और दोस्त को दे दीजिए इजाजत, और आप कि इस मूवी यानी केजीएफ 3 को लेकर क्या सजेशंस या फीडबैक है ये हमें जरूर बताएं। आपको ये बता दे कि केजीएफ 3 सिल्वर स्क्रीन पर जल्द ही रिलीज हो सकती है। अब क्या ये फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के बाद फैंस का दिल जीत पाती है, तो गाइज ये तो अब वक्त ही बताएगा। उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म को देखने के लिए आप सभी बहुत एक्साइटेड होंगे, साथ ही साथ इन फैक्ट्स के बारे में जानकर काफी हैरान भी रह जाएंगे। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? क्या है केजीएफ 2 का मिड क्रेडिट सीन? चैप्टर 1 और 2 में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में, जहां आज हम बात करेंगे डायरेक्टर प्रशांत नील की लेजेंडरी मूवी केजीएफ चैप्टर 3 के बारे में, जिसकी प्रीक्वल केजीएफ 2 प्रेजेंटली काफी तूफानी स्पीड से बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए जा रही है। अब हम अच्छे से समझ सकते हैं कि मूवी रिलीज हुए अभी सिर्फ लगभग 10 ही दिन हुए हैं और काफी ऑडियंस ऐसी भी होगी जिन्होंने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है। सो गाइस टेंशन नॉट, हम इस वीडियो में टोटली स्पॉइलर फ्री डिस्कशंस करेंगे, और अगर मूवी से रिलेटेड कुछ बात करेंगे भी तो भी आपको उसका आइडिया नहीं मिलेगा या फिर आपकी मूवी स्पॉइल नहीं होगी। तो बेसिकली केजीएफ 2 अपने प्रीक्वल की कहानी को वहीं से शुरू करती है जहां खत्म की थी, और उसके बाद इस मूवी में बहुत ही ज्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं। एक के बाद एक सुपर सीन्स और ट्विस्ट्स आते हैं कि आप चाहकर भी कोई चीज ना तो स्किप कर सकेंगे और ना ही मिस। एक चीज जो सभी जानते हैं या फिर एक स्पॉइलर कह लीजिए कि केजीएफ चैप्टर 3 की कंफर्मेशन कर दी है मेकर्स ने, जैसा कि हमने आपको हमारी पिछली केजीएफ 2 के बारे में डिस्कस करते हुए एक वीडियो में बताया था कि मूवी कंप्लीट देखने के बाद थिएटर से उठिएगा मत, क्योंकि मूवी में एक शानदार मिड क्रेडिट सीन भी है। तो गाइज वो मिड क्रेडिट सीन यही था कि हमें केजीएफ चैप्टर 3 की कंफर्मेशन मिलती है, जो कि इस मूवी के एक्साइटमेंट को बिल्कुल अलग ही लेवल पे ले जाती है।
चैप्टर थ्री में रॉकी एक बार फिर से राइज करेंगे और अपने साथ हुए पिछले इंसिडेंट्स को एनालाइज करते हुए उसी हिसाब से हमें रॉकी और भी ज्यादा डेंजरस और ब्रूटल देखने को मिलेंगे। चैप्टर वन एंड टू में जो सबसे बड़ा फर्क यही था कि जहां चैप्टर वन में हमें रॉकी मोस्ट पावरफुल बींग और स्वैगस्टर दिखाया गया, तो वहीं चैप्टर टू में हमें रॉकी के दुश्मन भी उसके टक्कर के दिखाए गए थे। सो अब चैप्टर थ्री में मोस्ट प्रोबेबली हमें फिर से हमारे फर्स्ट पार्ट वाला रॉकी भाई वापस मिल सकता है, जो कि ना तो आसानी से हारता है और ना ही वो अपने सामने वाले को हार मानने देता है। अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अपने दुश्मन को बराबर पनिश करता है। आपके अकॉर्डिंग पार्ट थ्री में हमें रॉकी और भी ज्यादा ब्रूटल मिलेगा या फिर एक रिवेंज लेने के लिए सुपर स्मार्ट माइंड यूज करता दिखाया जाएगा? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बनाई जाएगी केजीएफ चैप्टर थ्री? कौन से तीन पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं मूवी में? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट YouTube चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ केजीएफ चैप्टर थ्री से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दोस्तों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा। केजीएफ चैप्टर टू जिसने देख ली उसे एक मजेदार डायलॉग तो याद ही होगा, ही इज द बिगेस्ट क्रिमिनल, ही इज द बिगेस्ट बिजनेसमैन। और उसमें नया पार्ट जोड़ लो, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, बोले तो केजीएफ चैप्टर थ्री कब आएगा? आएगा भी नहीं आएगा, ये सवाल नेशनल और इंटरनेशनल हर लेवल पर फैंस को पागल कर रहा है। पूरा किस्सा शुरू हुआ चैप्टर टू के पोस्ट क्रेडिट सीन में, जब ऑडियंस बेचारी हैप्पी एंड सैड एंडिंग के बीच बैलेंस ढूंढ रही थी, तभी लास्ट बॉल पर मेकर्स ने जो छक्का मारा, मतलब आउट ऑफ द स्टेडियम, मतलब तीसरा इमोशन जोड़ दिया, एक्साइटमेंट विद द अनाउंसमेंट ऑफ चैप्टर थ्री। वो भी किसके हाथों? रमिका सेन, रॉकी की सबसे बड़ी दुश्मन। मैडम का एटीट्यूड काफी सीरियस एंड डेंजरस है, तो चैप्टर थ्री की न्यूज को मजाक में नहीं ले सकते आप। अब मुद्दे की बात यह है कि चैप्टर थ्री बनेगा कैसे? रॉकी का जहाज तो डूब गया और सारा सोना भी समुंदर के पेट में चला गया, परफेक्ट एंडिंग। बॉस ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ तीन पॉसिबिलिटीज है। पहली तो ये कि रॉकी भैया कानून की नजर में लीगल तरीके से मर गए, फिनिश द एंड, लेकिन पीछे पीछे सीक्रेट डील है विद रमिका सेन ताकि सरकार की इज्जत बच जाए और हिस्ट्री में यही न्यूज रहे कि क्रिमिनल पे गवर्नमेंट भारी रही, जबकि एक्चुअल रॉकी जिंदा है, बस रमिका सेन से दूर रह के मस्त रूल करेगा, वो भी इंटरनेशनल जमीन में घुसकर। क्योंकि देखो, रीना भले ही चली गई और रॉकी की लाइफ खाली हो गई, लेकिन माँ को दिया हुआ वादा सबसे ऊपर है, दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनना है, पूरी दुनिया, नॉट ओनली इंडिया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि रॉकी ने अपनी मौत खुद चुनी और फाइनली ही इज नो मोर, तो फाइनली रमिका सेन जीत गई और मॉन्स्टर हार गया। अब चैप्टर थ्री में हमें जो दिखाया जाएगा वो होगा रॉकी का फ्लैशबैक, बोले तो 1977 से लेकर 1981 वाला टाइम, जिसको मूवी में फास्ट फॉरवर्ड मार दिया गया, तो ये लास्ट ट्रिब्यूट की तरह केजीएफ 3 को फैंस के सामने प्रेजेंट किया जा सकता है, बेस्ट गिफ्ट फॉर फैंस। उसके बाद केजीएफ की दुनिया में परमानेंट ताला लग जाएगा। लेकिन इसके ठीक उल्टा है पॉसिबिलिटी नंबर थ्री, जो साफ जाहिर करती है कि केजीएफ एक सिंगल मूवी नहीं है बल्कि पूरा यूनिवर्स है, मॉन्स्टर यूनिवर्स, जिसमें रॉकी तो बस शुरुआत है, अभी तो और बड़े मॉन्स्टर की एंट्री होनी बाकी है। मॉन्स्टर नंबर टू सलार, इनकी कहानी को इसलिए जोड़ा जा सकता है केजीएफ 3 से, क्योंकि दोनों फिल्मों का थीम सेम टू सेम है और प्रशांत नील खुद एक इंटरव्यू में सलार को एज अ कमांडर इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। क्या पता ये आर्मी फोर्स हो जो रॉकी भाई का साथ देने आ रही हो। अब आते हैं मॉन्स्टर नंबर थ्री बगीरा, ये क्रिमिनल नहीं, क्रिमिनल की मौत बनकर एंट्री मारेंगे। बगीरा की टैगलाइन को साफ पढ़िए, भाई साहब जंगल को साफ करने आ रहे हैं, बोले तो रॉकी प्लस सलार प्लस बगीरा भी देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं इन तीनों पॉसिबिलिटीज में से कौन सी पॉसिबिलिटी को मेकर्स रखते हैं केजीएफ चैप्टर थ्री के लिए। केजीएफ चैप्टर टू की सक्सेस के बाद प्रशांत नील ने बढ़ाई अपनी फीस, क्या जल्द रिलीज करेंगे केजीएफ चैप्टर थ्री? आखिर RRR के किस एक्टर के साथ फिल्म बनाएंगे? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज में सोनिका जुआल। दोस्तों, कन्नड़ इंडस्ट्री के जाने माने फिल्म डायरेक्टर प्रशांत नील ने अब तक केवल 3 फिल्में डायरेक्ट की हैं। इन तीनों फिल्मों में से 2 फिल्में तो केजीएफ फ्रेंचाइजी हैं। 14 अप्रैल के दिन ये फिल्म रिलीज हुई और इसने तहलका मचा दिया। अब तक वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ की कमाई कर ली है, बॉलीवुड की कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है और कन्नड़ की पहली फिल्म बन चुकी है जिसने 1000 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार किया।
फिल्म ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर भी कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े। ऐसे में अब प्रशांत नील ने केजीएफ चैप्टर 2 की जबरदस्त सफलता के बाद अपनी फीस भी डबल कर दी है। इस टाइम प्रशांत नील साउथ इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स के साथ काम करने के लिए तैयार है। साथ ही प्रशांत नील पहले ही तेलुगु के 2 टॉप प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने के लिए राजी हो चुके हैं। आपको बता दें, प्रशांत नील इन दिनों बाहुबली एक्टर प्रभास के साथ सलार की शूटिंग में बिजी हैं। इस फिल्म का निर्माण होमले फिल्म्स कर रही है, जिसने केजीएफ का भी निर्माण किया है। वहीं दोस्तों, पहले प्रशांत नील की फीस हुआ करती थी 25 करोड़, और अब एक फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए वो 50 करोड़ रुपये चार्ज कर रहे हैं। इसके अलावा प्रशांत नील NTR के साथ भी एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, यानी कि KGF ने प्रशांत नील की किस्मत को बदल डाला और अब लोगों को KGF 3 का इंतजार है। आपको बता दें, जब KGF चैप्टर 1 बन रही थी तो उस टाइम किसी ने ये अंदाजा नहीं लगाया था ये इतनी ज्यादा सुपरहिट होगी। यहां तक कि इसको एक ही फिल्म में निपटाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि पहला पार्ट इतना ज्यादा सक्सेसफुल होगा। उसके बाद लोगों ने रिस्क लिया और KGF चैप्टर 2 बनाई। उस वक्त भी सबके मन में यही ख्याल आ रहा था कि अगर चैप्टर 1 हिट नहीं हुई तो पूरी फिल्म, पूरी स्क्रिप्ट वेस्ट हो जाएगी।